आपके बेला के समाप्ति के साथ ही ध्वज की तैयारी की जा रही है। सभी से निवेदन है कि इस ध्वज में सभी उपस्थित होकर स्वागत है सर आपका हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया हॉकी के मंच पर। मैच को शुरू किया जाए। बहुत अच्छी शुरुआत। बिहार और झारखंड की बहुत ही अच्छी तीव्रता से शुरुआत और दोनों टीम काफी आगे अच्छे बढ़ती हुई अच्छी तरह से खेल को यहां पर चलाया जा रहा है और झारखंड और बिहार की काफी अच्छी सक्रियता के कारण मैच और बहुत इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। बहुत अच्छी शुरुआत बिहार की और झारखंड की आपके समक्ष और बहुत अच्छा है। दोनों टीम के यहाँ पर जो प्लेयर्स है काफी अच्छा खेल रहे हैं और बिहार और झारखंड का ये विशेष रूप से यहाँ पर जो खेल की जो एक तीव्रता को प्रमाणित करने में कोई संकोच नहीं है। इसमें विशेष रूप से दोनों टीम बहुत अच्छी खेलती नजर आ रही है। बहुत बढ़िया बिहार द्वारा भी अच्छी प्रस्तुति और झारखंड द्वारा भी बहुत अच्छी सक्रियता नजर आ रही है। ट्राई कर भाग चल गोपाल उधर भाग बोलो 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 ठीक है वेरी गुड जल्दी जल्दी। कृपया मैनेजमेंट वालों से निवेदन है कि दोनों गेटों को खुलवा दिया जाए। यहाँ प्लेट वाला गेट। बहुत अच्छी शुरुआत दोनों टीम को प्रोत्साहित करने के लिए कृपया तालियों की यहाँ शुरुआत कर दी जाए। और ये झारखंड की भी बहुत अच्छी शुरुआत है। बहुत अच्छी तीव्रता और बहुत अच्छी स्पीड गलती ना कर यार एकदम सेम सेम चल रहा है।
झंडा पे ध्यान दो, झंडा पे बहुत अच्छे बिहार और बहुत अच्छे झारखंड, काफी अच्छी सक्रियता के साथ आप खेल को बढ़ा रहे हैं। वो मेरे वाला घट है नरेंद्र, ओए पहला मैच यहाँ पे खत्म हो गया झारखंड और बिहार के बीच। ब्रेक का समय चल रहा है, हम ये बताते चले कि इस नेशनल चैम्पियनशिप में 12 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, केरला, आसाम, मध्य प्रदेश और इन 12 टीमों ने इस श्रृंखला में भागीदारी की। तो पहले जो लीग मैच थे उनमें से 4 टीम्स आउट हो गई, जिनमें उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान थे। उसके बाद सुपर एट्स में हमारी 8 टीम्स बिहार, झारखंड, केरला, पंजाब, चंडीगढ़, असम, जम्मू कश्मीर, केरला ये पहुंच गई थी और मध्य प्रदेश उसमें एक टीम है जो इन 8 टीम्स में पहुंच गई थी। कल हमारे सुपर एट के सारे मैच हो गए, जिसमें से 4 टीम जो है सेमीफाइनल में पहुंच गई। झारखंड बिहार का पहला सेमीफाइनल अभी हो रहा है, इसके बाद जम्मू कश्मीर और केरला के बीच सेकंड सेमीफाइनल हो जाएगा। दोनों में से जो विनर्स होंगे वो फाइनल में पहुँच जाएंगे और फाइनल आज ही होगा। अभी तक जो है बिहार ने बहुत ही अच्छी कारकर्दगी इस टूर्नामेंट में कर दी, झारखंड भी बहुत ही अच्छा इस टूर्नामेंट में कर रहा है। एवरेज स्कोर बताते चले तो सबसे ज़्यादा एवरेज स्कोर अभी तक जम्मू कश्मीर ने पर मैच के हिसाब से 257 कर दिए हैं, बिहार और केरला 245 और 244 के नंबर्स एवरेज नंबर्स हासिल कर चुके हैं आज तक। तो 233 का एवरेज स्कोर झारखंड का आज तक रहा है। तो सभी जो ये 4 टीम्स है आपस में बहुत ही कम्पिटिटिव है, एवरेज स्कोर के को मान के चले तो बहुत ही नज़दीकी इनका मुकाबला होने वाला है। सेकेंड हाफ शुरू होते हुए सईद अलीम जो हेड कोच है और रेफरी है इस चैंपियनशिप के, हेड कोच है आयन बॉल इंडिया के, वो ग्रीन वाला फ्लैग उड़ गया, बच्चे दौड़ रहे हैं। झारखंड ने पहले पास कर दिया और हेड कर दिया और बहुत ही मुश्किली से इन्होंने एक ग्रैब करा, बहुत अच्छा ग्रैब था। अभी हेड चल रहा है तो पर हेड के हिसाब से 3-3 पॉइंट्स इनको मिलने वाले हैं और जो पहले बॉल रखेगा उसके एक्स्ट्रा 3 पॉइंट्स मिलेंगे और जो ये बिहार ने 3 पॉइंट्स ले लिए। हेड पासिस का इस वक्त प्रयास किया जा रहा है मैक्सिमम स्कोर करने के लिए। झारखंड ने पॉट बॉल कर दी क्योंकि उन्होंने सर्कल से नहीं की, सो दैट उनको एक ही पॉइंट मिलेगा, लेकिन बिहार ने पहले यहां पे बॉल पॉट कर दी, इनको एक्स्ट्रा 3 पॉइंट्स मिलेंगे। बिहार ने एक फाउल कर दिया जिनके इनको -3 पॉइंट्स मिलेंगे क्योंकि बॉल नीचे गिर गई। पहले बॉल फिर से बिहार ने रख दी और इसके 3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। हेड कर दिया इस वक्त झारखंड ने, हेडिंग हो रही है दोनों साइड से, मैक्सिमम स्कोर्स का गेन करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों टीम्स। बहुत ही टफ कंपटीशन चल रहा है अभी,
पहले बॉल इस वक्त फिर से बिहार ने रख दी और एक्स्ट्रा 3 पॉइंट्स मिलेंगे। यहां पे झारखंड ने थ्रो बॉल को भी हेड से कर दिया, इसके 3 पॉइंट्स मिलेंगे। ये झारखंड का पहला पास, बॉल पहले झारखंड ने रख दी। पहले दिन से ही लोग बच्चों में बहुत ही उत्साह नजर आ रहा है। ये गेम ही ऐसी है, एक तो एथलेटिक्स में बहुत ज्यादा है, दौड़ना बहुत पड़ रहा है और बाकी प्लेयर्स की भी जो कंसंट्रेशन का है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट इस खेल का एक इंग्रेडिएंट है। बॉल पहले रखने की कोशिश करें लेकिन ये झारखंड ने ये बॉल पहले रख दी। कोऑर्डिनेशन आपस में सही हो रहा है झारखंड का भी। बॉल पहले रखने की कोशिश, झारखंड मुझे लगता है तेज दौड़ रही है, देखना पड़ेगा आप कौन पे बॉल पहले रखता है। झारखंड ने पहले बॉल रख दी, इसके 3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे इनको। ये हमारा मैच जो है सेमीफाइनल फर्स्ट का खत्म हो गया, सेकंड हाफ भी इसका खत्म हो गया। अब स्कोरर्स इवेल्युएशन करेंगे, देखेंगे इस टीम में, इस मैच में कौन सी टीम आगे आ गई। झारखंड भी कॉन्फिडेंट लग रही है, बिहार भी कॉन्फिडेंट लग रही है। मुश्किल हो जाएगा अभी ये बोलना अनलेस के हमारे पास रिजल्ट्स आ जाए स्कोरर्स। और हम ये बताते चले, जम्मू कश्मीर और केरला के बीच नेक्स्ट मैच होने वाला है, वो भी 5 मिनट में हो जाएगा। दोनों टीम्स तैयार हैं अपनी अपनी जगह। स्कोरर्स सईद अलीम रेफरी जो है इस चैंपियनशिप के, उसके गाइडेंस में अभी इवैल्यूएशन कर रहे हैं। हमारे बीच में पंचायती अखाड़े के, निर्मोही अखाड़े के, निर्मला अखाड़े के श्री ज्ञानदेव सिंह जी, स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी उपस्थित हैं। जसबीर सिंह जी आ चुके हैं, जसविंदर सिंह जी, स्वामी जसविंदर सिंह जी हमारे बीच में आ चुके हैं और जसविंदर सिंह जी शास्त्री जी, और अभी ज्ञानदेव सिंह जी महाराज जी निर्मला अखाड़ा के जो पंचायती अखाड़ा के हेड हैं यहाँ के, वो उपस्थित होंगे। स्वामी यतीश्वरानंद जी जो यहाँ के विधायक हैं हरिद्वार ग्रामीण के और पूर्व अध्यक्ष हैं गो सेवा आयोग उत्तराखंड के, उत्तराखंड सरकार के, वो भी हमारे बीच में होंगे। हमारे बीच में श्री नारायण सिंह राणा जी हैं जो उत्तराखंड सरकार के पूर्व खेल मंत्री रह चुके हैं। मैं हमारे हेड कोच से निवेदन करना चाहूंगा, उस स्कोरर से, कि जब स्कोर फाइनल हो जाए तो वो यहाँ मंच की तरफ बता दें, जिससे कि हम यहाँ से हमारे एक मुख्य अतिथि को नारायण सिंह राणा जी को हम चाहेंगे कि वो खेल के मैदान की तरफ जाएंगे और उनके माध्यम से ये स्कोर यहाँ से, यही मंच से ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हमारे बीच में आर के लांबा जी हैं जो हैदराबाद से मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एंटरप्रेनर हैं, उनका समर्थन हमें प्राप्त हुआ है, वो आए हुए हैं। हमारे बीच में नागानाथ के फाउंडर जो एंशियंट स्टाइल ऑफ मार्शल आर्ट है, भारतीय पद्धति का मार्शल आर्ट जो भारत में विलुप्त हो चुका है और पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहा है, ऐसे ही एक प्रयास को जगाने के लिए अनाहत सिंह खटकर जी ने उसको फिर से
भारत में प्रस्थापित करने का सपना देखा है वो हमारे बीच में है। वो बॉलीवुड के कलाकार भी हैं, एक्टर हैं, हरियाणा से आते हैं। हमारे बीच में प्रताप सिंह चौहान जी हैं, जिन्होंने योटी फाउंडेशन शुरू किया, जिसके नेतृत्व मार्गदर्शन में एन बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसके सेक्रेटरी सैयद वसीम जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके नेतृत्व में ये पूरी टीम यहाँ नेशनल चैंपियनशिप खेल रही है। श्री नारायण सिंह राणा जी एक्स जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, वो गुरु द्रोणाचार्य सम्मान से सम्मानित हैं। ये काफी सम्मानित पुरस्कार है भारत का, आप सबको ज्ञात होगा, आप सब खेलों में रुचि रखते हैं, खेल रहे हैं, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि वो गुरु द्रोणाचार्य सम्मान से भी सम्मानित हैं। गुरु द्रोणाचार्य सम्मान उनको मिलता है जो नए खिलाड़ियों को आगे ले आने में द्रोणाचार्य की भूमिका अदा करते हैं, भारत सरकार ये सम्मान उनको देती है। कौन सी नई टीम को? अच्छा, मैं निवेदन करूंगा जो दोनों टीम वहां पर खड़ी हैं वो यहाँ मंच के पास आ जाएं, जिससे कि अतिथि को आपसे मुलाकात करने में आसानी हो। अगली टीम केरला और जम्मू कश्मीर तैयार रहेगी, वो तुरंत मैदान के पास खड़े हो जाएं, जिससे कि उनका मैच थोड़ी देर में शुरू कराया जाएगा। वो दूसरा सेमीफाइनल होगा। चार वॉलंटियर्स यहाँ मदद के लिए ऊपर आ जाएं, महावीर जी वगैरह जो और साथी हैं। हमारे स्कोरर अपना दिमाग लगाए हुए हैं स्कोर को गणना करने में, जैसे ही स्कोर हमें पता चलेगा हम आप सबके सामने रखेंगे कि इस पहली सेमीफाइनल मुकाबले का विजेता कौन होगा। ये जो मुकाबला हुआ है वो बहुत कांटे का टक्कर का था, बहुत कड़ा मुकाबला था। जो स्कोर है वो भी ऑलमोस्ट बराबर ही चल रहा है, इसलिए कैलकुलेशंस में थोड़ा टाइम लग रहा है। आप सब थोड़ा वेट करें, क्योंकि ये जो पूरा खेल है वो स्कोर्स का खेल है, ये कंसंट्रेशन का खेल है, ये ध्यान का खेल है, ये कोऑर्डिनेशन का खेल है, ये फिजिकल एक्टिविटीज का खेल है, ये कॉम्बिनेशन है बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलीट्स, इन सब खेलों के माध्यम से इन सबको कंबाइन करके मोहम्मद हामिद ने, जो मोरक्को के रहने वाले हैं अफ्रीका के, उन्होंने इस खेल की शुरुआत की। और आज आपको जानकर खुशी होगा कि दुनिया में जो भी देश इस खेल का आयोजन कर रहे हैं उसमें भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इस नेशनल चैंपियनशिप के बाद एक नेशनल टूर्नामेंट होगा जिसमें 50 खिलाड़ी चुने जाएंगे, उन 50 खिलाड़ियों के बीच से एक राष्ट्रीय टीम का निर्माण किया जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय टीम, इंडियन नेशनल टीम, और वो फरवरी में आयोजित होने वाले अफ्रीका के मोरक्को में, जो यूरोप और अफ्रीका के बॉर्डर का देश है, लास्ट का देश है अफ्रीका का, वहां पर इसका वर्ल्ड कप आयोजित हो रहा है, उसमें हमारी टीम जाएगी। वो खिलाड़ी चुने जाएंगे जिन्होंने अपनी प्रतिभा को से सबको सम्मोहित किया है, अपना दमखम दिखाया है। तो यहां से एक हमें दिशा मिलती है, एक आइडिया मिलता है कि कौन से वो खिलाड़ी हैं जिनको उस 50 की टीम में बुलाया जा सकता है अगले होने वाले अगले महीनों के चैंपियनशिप में। हम उस प्रतिभा खोज को खोज रहे हैं, हमारे कुछ साथी इस काम में अपना ध्यान लगाए हुए हैं, वो हेड कोचेज हैं, वो ट्रेनर्स हैं, और एन बॉल फेडरेशन से जुड़े पदाधिकारी हैं। इस निर्मला छावनी में वेदा ग्रीन्स में ये आयोजन दो दिनों से चल रहा है, 12 टीमों ने भाग लिया था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नॉर्थ इंडिया से जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम, उड़ीसा, और दक्षिण से केरला। हमारे बीच में जसविंदर जी शास्त्री जी कोठारी अखाड़े से हैं, कोठारी जी पंचायती निर्मला अखाड़े से हमारे बीच में हैं, मुखिया हैं महंत पंचायती अखाड़ा निर्मला के, महंत कमलजीत सिंह शास्त्री जी। हमारे बीच में सोडी जी भी हैं जो वाइस चेयरमैन हैं हमारे इन बॉल फेडरेशन के, और अभी गणना हो चुकी है, और वसीम जी जो सेक्रेटरी हैं इन बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के, वो इसकी घोषणा करेंगे। मुझे बहुत खुशी की बात हो रही है, दोनों टीम्स ने बहुत अच्छे से खेला। मुझे खुशी हो रही है कि दोनों टीम्स ने अच्छा खेला। मुझे थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी है कि मैं स्कोर पहली बार शायद हिस्ट्री में होगा कि आयन बॉल का पहला मैच जो है टाई हो रहा है। दोनों टीम्स ने बहुत अच्छा खेला, 256 दोनों का स्कोर है, लेकिन चूंकि हमारी ये
रूल्स के हिसाब से जो टीम कम फाउल करेगी वो जीतती है, जो टीम ज्यादा फाउल करती है उसको लूजर साइड पे रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है बिहार ने 6 फाउल कर दिए हैं टोटल और झारखंड ने 3 फाउल कर दिए हैं, तो झारखंड फाइनल में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच। साथियों, हारना और जीतना मैच में लगा रहता है, लेकिन जो चीज सबको याद रहती है वो है जज्बा और आपका जुनून, और खिलाड़ियों में ये चीजें सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, स्पोर्ट्स में, एथलीट में, क्योंकि पल पल भर में खेल बदलता रहता है, लेकिन जो सबको याद रह जाता है वो रहता है कि आपने कैसे खेला, अपनी पूरी ताकत लगाई कि नहीं लगाई, अपना पूरा जान लगाया कि नहीं लगाया। तो मैं ये देख रहा हूं कि बिहार के खिलाड़ियों ने वो पूरा दमखम लगाया जो उनके पड़ोसी राज्य झारखंड ने लगाया। हालांकि कुछ पॉइंट्स टेक्निकल चीजों के कारण कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन दिल वही जीतता है जो अच्छा खेल दिखाता है, ईमानदारी से खेलता है, अपनी टीम के लिए खेलता है। अगला मैच जो होने वाला है केरला और जम्मू कश्मीर के बीच में, यह दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला होगा। 8 टीमें सुपर 8 मुकाबले में खेली थी, उसमें ये 4 टीमें प्रथम 4 स्थान पर आई थी, जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड और केरला। इन 4 टीमों के बीच 2 पूल बने थे। पहले मैच झारखंड बिहार के बीच में खेला गया, कुछ टेक्निकल पॉइंट से झारखंड जीता, कितने कम फाउल्स करेंगे, क्योंकि मैच पॉइंट्स तो उन्होंने बराबर बनाए थे पर फाउल्स के हिसाब से मैं माफी चाहूंगा, इवेल्युएशन में 1 पॉइंट की गलती हो गई, फिर से क्रॉस चेक करने से 257 बिहार के आ रहे हैं और झारखंड के 256 आ रहे हैं, बहुत ही क्लोज मुकाबला हो रहा है, तो हम माफी चाहेंगे इवेल्युएशन में थोड़ी सी गलती की वजह से, लेकिन दोनों टीम्स ने बहुत अच्छा खेला, तो हम माफी चाहेंगे, जो डिजर्विंग टीम है वो ही आगे जाएगी। तो फिर नेक्स्ट मैच जो होगा वो केरल और झारखंड के बीच होगा, मैच के लिए तैयार हो जाए। हमारे बीच में पंचायती निर्मला खाड़े के स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी हैं, श्री महंत स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी जो पंचायती निर्मला खाड़ा के मुखिया हैं, वो हमारे बीच में आ रहे हैं। आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ये पूरा आयोजन हुआ। इस तपोवन में, इस तपोभूमि में भारतीय संस्कृति और आध्यात्म में अखाड़ों का बहुत महत्व है, और ऐसे ही एक अखाड़ा के श्री महंत श्री स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी महाराज हमारे बीच में हैं, सोडी जी उनका सम्मान करते हुए। नारायण सिंह राणा जी जो पूर्व खेल मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार के, आप भी महाराज जी का स्वागत सम्मान करते हुए। प्रताप चौधरी जी प्रेसिडेंट यूटी फाउंडेशन के, उन्होंने भी आपका सम्मान किया, और जो भी मंच पर उपस्थित लोग हैं उन्होंने स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। स्वामी जी ने इस पूरे खेल में जो रुचि दिखाई, जो आशीर्वाद दिया, आपके इस आशीर्वाद के कारण अच्छा हमारे बीच में अतिथि के रूप में नारायण सिंह राणा जी हैं। मैं चाहूंगा यूटी फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रेसिडेंट श्री प्रताप सिंह चौहान जी से कि वो नारायण सिंह राणा जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं कुछ वॉलेंटियर से निवेदन करूंगा कि वो यहां पर आ जाएं जिससे कोई सुविधा हो। मैं चाहूंगा कि वसीम जी भी आप सबका सम्मान करें। मैं प्रताप जी चाहूंगा कि लांबा जी का सम्मान करें, सोडी जी श्री महाराज कमलजीत सिंह शास्त्री जी और जसविंदर सिंह शास्त्री जी का सम्मान करें। वसीम जी से मैं चाहूंगा कि अनाहत सिंह खटकर जी का माल्यार्पण कर सम्मान करें। हमारे बीच में मध्य प्रदेश से आए हुए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महोदय का सम्मान मैं चाहूंगा कि प्रताप सिंह चौहान जी माल्यार्पण कर करें। साथियों, पहला मुकाबला बहुत ही रोचक हुआ, पहला सेमीफाइनल मुकाबला, और उसमें जो टीम जीती कुछ
पॉइंट्स के गणना में चूक हुई थी उसके लिए इनबॉल फेडरेशन आपसे क्षमा चाहता है, और वापस गणना करने के बाद जो टीम जीती वो बिहार थी और वो फाइनल में पहुंच चुके हैं। अभी दूसरा मुकाबला जम्मू कश्मीर और केरला के बीच खेला जा रहा है, खेला जाएगा। इस मुकाबले में जो टीम जीतेगी वो फाइनल में पहुंचेगी और उसका मुकाबला बिहार से होगा। मैं चाहूंगा कि यूटी फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रेसिडेंट श्री प्रताप सिंह चौहान जी इन बॉल के इस पूरे खेल में के बारे में थोड़ी सी बात रख दें, उसके रूल रेगुलेशंस क्या हैं, जिससे बैठने वाले यहां दर्शकों को, मंचासीन अतिथियों को आसानी हो। प्रताप सिंह जी, स्वामी हरिहर आनंद जी अखाड़े से हमारे बीच में हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। मैं स्वामी केशवानंद जी हमारे बीच में हैं, उनका भी स्वागत है। सबसे खुशी की बात यह है कि साधु जनों का हमें आशीर्वाद मिला, ये पहली नेशनल चैंपियनशिप हमारी थी। स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी का पूरा आशीर्वाद रहा, उनके सहयोग से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं सभी दर्शकों को थोड़ा सा, अपने गेस्ट्स को खासकर, ये रूल्स थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि आयन बॉल के रूल्स क्या हैं। यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे चार कलर में जर्सी पहन करके प्लेयर खड़े हुए हैं और चार कलर की बॉल्स हैं हमारे पास। एक टीम में आठ खिलाड़ी हैं, इधर जो खिलाड़ी हैं वो कश्मीर की टीम है, सामने केरला की टीम खड़ी हुई है। ये खेल फुटबॉल, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स का कॉम्बिनेशन है। कंसंट्रेशन, जो एकाग्रता है, ध्यान जो है, जो भारत की भूमि से जुड़ा हुआ रहा है, वो इस खेल का सबसे अहम हिस्सा है। रेफरी के हाथ में चार कलर के झंडे होंगे, वो जिस कलर के झंडे को उठाएगा उसी कलर की टी शर्ट पहन के जो खिलाड़ी खड़ा हुआ है वो सामने दौड़ेगा और उसी कलर की बॉल को वापस लेके आएगा। सेंटर लाइन क्रॉस करने के बाद जो अगली लाइन है वहां से वो अपने साथियों को पास करेगा और पास के इस खेल में जो पासिंग के जो पॉइंट्स होते हैं उसी से टीम विन होती है। तो पास करते टाइम अगर वो अपने हाथ से पास करेगा तो एक पॉइंट मिलेंगे, फुट से अगर वो पास करता है तो दो पॉइंट मिलेंगे और हेड से अगर वो पास करते हैं तो तीन पॉइंट मिलेंगे। उसके बाद जो बास्केट करेंगे, बास्केट करने के तीन पॉइंट्स हैं और बॉल जो पहले वापस रखेंगे उसके भी तीन पॉइंट्स हैं। तो इस तरह से दोनों टीमें, पहले हाफ में आठ बार झंडा उठेगा और दूसरे हाफ में फिर आठ बार झंडा उठेगा। एक मैच में 16 टाइम्स ये झंडा उठता है। कैलकुलेशन के बाद जिसके पॉइंट्स ज्यादा होंगे वो जीत जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये इस तरह से, जिसे हमारे जो सभी गेस्ट आए हैं, नया खेल है, रूल्स उनको नहीं पता तो वो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा रूल्स मैंने क्लियर कर दिए। मैं साई हिमांशु तिवारी जी, जो हमारे यूटी फाउंडेशन यूथ ऑफ ट्रू इंडिया के स्ट्रेटेजिक हेड हैं, बनारस के रहने वाले हैं, हमारे बीच में हैं, मंच जो आज संभाल रहे हैं, उनको मैं कहूंगा कि वो आगे कंटिन्यू रखें। तो साथियों, जैसा कि प्रताप जी ने बताया, एक नया खेल, इंटरेस्टिंग खेल, कुछ चीजों को मिलाकर जोड़ा गया, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलीट, कि आप कंसंट्रेट कर पाए, फिजिकल एक्टिविटीज कर पाए और कोऑर्डिनेट कर पाए। तो ये है एन बॉल। मैच शुरू हो गया है, अभी रेफरी के सीटी से ही ये मैच दोनों टीमों के बीच, जम्मू कश्मीर और केरला के बीच खेला जाएगा। इन दोनों टीमों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जम्मू कश्मीर का तो एवरेज इस पूरे टूर्नामेंट में कल तक सबसे ज्यादा था। केरला आज तक मैच में हारी ही नहीं इस पूरे टूर्नामेंट में, तीन दिनों तक चलने वाले कई मैचेस में। तो सुपर आठ के मुकाबले से निकल कर ये दोनों टीमें आई हैं। इस नए खेल को देखते हैं, जो सर्कल है उसमें बढ़ेंगे आगे, हरा झंडा बढ़ाया गया है तो हरे खिलाड़ी आगे बढ़े हैं, हरी बॉल लेंगे, हरी बॉल को लेकर जो सबसे पहले बीच में कैमरामैन से कहना है कैमरा एक बार उधर भी करे, कुछ कैमरे से इधर से भी ले लिया है। तो आप देख रहे हैं वो हेड में, हेड से मार रहा है, उसमें तीन अंक मिलता है और जो सबसे पहले डाल देगा उसको पॉइंट्स जोड़े जाते हैं और वो गेंद को ले जाकर वहां रखना होता है। और आप देखेंगे जैसे ही नया झंडा उठेगा वैसे ही वो खिलाड़ी लाल कलर के झंडे, लाल कलर की टी शर्ट्स वाले खिलाड़ी लाल कलर की गेंद लेने के लिए दौड़ेंगे और फिर वहां एक लाइन होगी, उस लाइन से उनको हेड से मारना होता है, उससे पॉइंट्स मिलते हैं, तीन तीन पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं केरला के भी और इधर जम्मू कश्मीर के भी। और चौथे बार में उसको उसके ब्लॉक में डालना होता है
और सबसे पहले केरला ने डाल दिया था और यहाँ जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी उसमें डाल नहीं पाए, तो उनके पॉइंट्स निश्चित ही स्कोरर बताएंगे कि कुछ कम हुए। पहली बॉल रख दी केरला ने और वहां जम्मू कश्मीर ने भी रख दिया है और दौड़ते हुए केरला के 3 पॉइंट केरला को मिलेंगे क्योंकि उन्होंने पहले रखा और ये हेड से उनकी गेंद गिर गई थी तो उनके नंबर्स फाउल होंगे और 3 पॉइंट फाउल होंगे उनके। और जम्मू कश्मीर ने यहाँ डाल दिया है, उधर केरला के खिलाड़ी काफी आगे तक आ गए हैं और निश्चित ही वो अपने गेंद को उन्होंने रख भी दिया और वहां जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी तो नीली गेंद ही नहीं उठा पाए तो वो अपनी वापस अपनी दीर्घा की तरफ बढ़ते हुए। धूप बहुत तेज, इंटरेस्टिंग खेल, कोऑर्डिनेशन का खेल, कंसंट्रेशन का खेल। हरा झंडा उठा और हरे खिलाड़ी दौड़े हरी गेंद लेने के लिए और पहले गेंद उठा लिया है उस टीम के खिलाड़ी ने केरला आगे बढ़ती हुई, तो फाउल भी कर दिया, गेंद गिर गई थी, जम्मू कश्मीर से भी गेंद गिरी, उनका भी फाउल और केरला अभी बढ़त बनाए हुए है, उसने हरे ब्लॉक में डाल भी दिया गेंद और बॉल नीचे गिरकर उन्होंने ले ली और यहाँ जम्मू कश्मीर ने भी वो कारनामा कर दिया, लाल कलर का झंडा उड़ गया था, लाल कलर के टी शर्ट पहने खिलाड़ी जम्मू कश्मीर और केरला दोनों के अपने अपने खेल को आगे बढ़ाते हुए हेड किया दोनों टीमों ने और केरला अभी थोड़ी आगे बढ़ी हुई है उधर गेंद लेने में और वो ब्लॉक तक भी पहुंच गया, उन्होंने ब्लॉक में डाल भी दिया, जम्मू कश्मीर पिछड़ गई है पीले कलर के खिलाड़ी पीली गेंद उठाने के लिए और ये लाल कलर के गेंद को रख भी दिया पीले खिलाड़ी, केरला आगे थोड़ी बढ़त है फिर से, इस बार देखना है क्या वो पहले पहुंच पाते हैं अपने ब्लॉक तक, निश्चित ही क्योंकि जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा गड़बड़ा रहा। केरला ने गेंद रख भी दी है और ये नीले कलर के झंडे के उठने के साथ ही ये पीली गेंद जम्मू कश्मीर की खिलाड़ियों द्वारा अभी तक नहीं पहुंचाई गई है और वहां नीली गेंद तो वो लेकर आ भी चुके हैं, तो निश्चित ही खेल में केरला बढ़त बनाए हुए है। देखना है ये पहला हाफ है, अभी एक हाफ और होना है और अभी इस बार जम्मू कश्मीर ने पहली गेंद डाल दी है और झंडा ये अंतिम झंडा था, जो पहले गेंद रखेगा उसको पहले पॉइंट्स मिलेंगे और इसी के साथ ये मैच का पहला हाफ कंप्लीट हुआ। स्कोरर ही बता पाएंगे क्योंकि दोनों ने लगभग साथ ही रखा तो मैं कुछ नहीं कहूंगा कि किसने पहले रखा। तो पहला हाफ कंप्लीट हुआ, आप सबको बता दूं कि हमारे बीच में श्री महंत स्वामी जी पंचायत निर्मला अखाड़ा के ज्ञानदेव सिंह जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है, हमारे बीच में नारायण सिंह राणा जी हैं पूर्व खेल मंत्री द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, प्रताप सिंह चौहान जी जो जिन्होंने हैंडबॉल फेडरेशन को आगे बढ़ाने में यूटी फाउंडेशन की तरफ से पूरी मदद की, उसको पूरा रूपरेखा तय किया, हमारे बीच में उसके सेक्रेटरी हैंडबॉल फेडरेशन के नेशनल सेक्रेटरी सुबसीम जी जम्मू कश्मीर से हैं। ये खेल मोरक्को अफ्रीका में शुरू हुआ और केवल खेल को खेल ना रखा जाए उससे कुछ प्राप्त भी हो, इस उद्देश्य के साथ इस खेल की शुरुआत मोहम्मद हामिद ने की है कि कैसे उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा भी रहे उस कंसंट्रेशन को, और मुझे लगता है कि भारत की भूमि इसको आगे बढ़ाने में निश्चित ही सफल होगी और जो 16 देश वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने वाले हैं जाने वाले हैं मोरक्को उसमें से भारत ये चैंपियनशिप सबसे पहले आयोजित कर रहा है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी बाकी जगह होना बाकी है। और जिस तरीके से इसने 12 टीमों का निर्माण भी कर लिया और करीब करीब 6 और टीमें जो क्वालिफाई नहीं कर पाई वो भी हैंडबॉल फेडरेशन से मान्यता प्राप्त कर चुकी हैं, तो 12 टीमें यहां खेली, 150 के लगभग खिलाड़ी मैनेजर्स कोचेस इस मैदान में, इस थोड़े से टाइम के बाद ये मैच दोबारा शुरू होगा, दोनों टीमों को थोड़ा सा वक्त दिया जाता है कि वो आपस में पाला बदल ले जैसे कबड्डी में होता है कि किसी को ये ना लगे कि इधर का ग्राउंड गीला था उधर का सूखा था, आपस में एक फेयर गेम हो और आपस में जो उन्होंने गलतियां की हैं उसको वो सीख समझ सकें जिससे दोहराए ना और मैच जीतने के चांसेस बढ़ जाए। तो एक बहुत ही खूबसूरत जगह, आध्यात्मिक जगह, पहाड़ियों के किनारे हरिद्वार में यह खेल का आयोजन, उत्तराखंड दिव्य भूमि बोला जाता है, देवभूमि बोला जाता है, वहां पर यह खेल हो रहा है गंगा जी के किनारे, यहां से ज्यादा दूर नहीं, ये सभी खिलाड़ी देश के अलग अलग राज्यों से कोने कोने से आए हुए हैं हमारे बीच में और दूसरा मैच का दूसरा हाफ थोड़ी देर में खेला जाएगा। पहले हाफ को बिहार ने 1 पॉइंट से जीत लिया था और वो फाइनल में पहुंच चुके हैं, तो दूसरा केरला और जम्मू कश्मीर के बीच खेले जाने वाला यह मुकाबला, हमारे बीच अनाज सिंह खटकर जी हैं, लांबा जी हैं, खटकर जी ने एक
यूटी फाउंडेशन के साथ मिलकर एक नागानाथ खेल का आयोजन किया जो एंशियंट स्टाइल ऑफ मार्शल आर्ट है, जिसके माध्यम से बच्चों में कंसंट्रेशन और फिजिकल एक्टिविटीज को मिलाकर उन्होंने भी एक खेल का बहुत भारतीयकरण किया है। भारत में वैसा होता था जिसके माध्यम से लोगों को ध्यान के मध्य एंशियंट स्टाइल ऑफ मार्शल आर्ट की खेल होता रहा है। तो अभी वो भी हमारे बीच में हैं। उन्होंने लाहौर एक खेल पर ही आधारित पिक्चर की थी, वो उसके बॉलीवुड के कलाकार हैं, बॉलीवुड ने वो पिक्चर बनाई थी 2010-12 के आसपास की बात है। उसके बाद से उन्होंने पूरा ध्यान अपना नागानाद और वननेस भारत की भूमि को आगे बढ़ाने में, उसके स्वाभिमान को जगाने के पिक्चर को बढ़ाने के लिए लगाया है। और ये पहला झंडा हरा उठते ही जम्मू कश्मीर का खिलाड़ी और केरला के खिलाड़ी हरी गरी गेंदों को लेकर दौड़ते हुए, पहले जम्मू कश्मीर के पास गेंद चली गई है हेड, दोनों टीमों के खिलाड़ी हेड से तीन तीन अंक जुटाते हुए, अगर वो पैर से भी मार सकते हैं लेकिन हेड से ज़्यादा अंक मिलते हैं इसलिए वो सबसे ज़्यादा। और इधर केरला ने सबसे पहले कर दिया है, उधर लाल कलर के ड्रेस पहने लाल खिलाड़ी लाल कलर की गेंद को जम्मू कश्मीर ने पहले उठाया, केरला और जम्मू कश्मीर आगे बढ़ते हुए हेड, जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी तीसरा राउंड का हेड चल रहा है और ये चौथा राउंड वो थोड़ा सा आगे हैं लेकिन, और जम्मू कश्मीर ने पहली बार गेंद ब्लॉक में डाली और पीले कलर के खिलाड़ी पीली गेंद लेने के लिए केरला और जम्मू कश्मीर दोनों बराबर ही पहुंचे हैं, लाल वालों ने भी साथ ही रखा है, लगभग जम्मू कश्मीर पहले रख दिया है थोड़ा सा, और केरला और वापस हेड हेड खेल रहे हैं दोनों टीम के खिलाड़ी, अभी बराबर ही चल रहा है और देखते हैं। उधर जम्मू कश्मीर ने गेंद डाल दी है, गई नहीं पर फिर भी दोनों साथ माने जाएंगे, वो उनको फाउल मिलेगा मुझे लगता है। और पहले जम्मू कश्मीर ने रखा, केरला के खिलाड़ी भी वहां पर गेंद को आगे बढ़ाते हुए, नीले कलर की जर्सी वाले केरला के खिलाड़ी आगे बढ़ते हुए हेड में वो थोड़ा सा आगे है, एक पॉइंट से उधर जम्मू कश्मीर ने गेंद गिरा दी है तो उनको निश्चित नुकसान होगा। और यहां तो केरला ने गेंद को ब्लॉक में डाल भी दिया है, वो आगे बढ़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर एक बार फिर से नहीं डाल पाया उस ब्लॉक में, और ग्रीन कलर के जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी ने गेंद पहले उठा ली और जिधर केरला का खिलाड़ी आगे बढ़ता हुआ उसने पहले बार हेड के लिए दे दिया है, दूसरा हेड उसका चल रहा है जम्मू कश्मीर का पहला हेड, ये चौथे हेड की तरफ गेंद गिर गई है केरला की और वहां देखने को बनता है कौन पहले डालता है, और मुझे लगता है कि जम्मू केरला ने पहले डाला और फिर दोनों खिलाड़ी पहली बार लाल कलर वाले गेंद को कौन उठाता है, और जम्मू कश्मीर ने पहली बार उठाया है और हरे कलर के खिलाड़ी अपना अपना पाला अपने अपने स्थान को लेते हुए हेड किया दोनों टीमों ने, पहला हेड दूसरा हेड दोनों टीमों का बराबर चल रहा, तीसरा हेड भी बराबर चल रहा, चौथा हेड भी बराबर चल रहा, पाले में कौन डालेगा, उधर केरला ने नहीं डाल पाया, जम्मू कश्मीर पहले डाल चुका था। तो ये बहुत रोमांचक मुकाबला हो रहा है हमारे बीच में, सेकेंड हाफ चल रहा है इसका और जम्मू कश्मीर और पीले कलर की गेंद को लेकर दोनों खिलाड़ी, पहला हेड केरला का उनका भी नहीं चालू हुआ, दूसरा हेड केरला का और जम्मू कश्मीर का भी, तीसरा हेड दोनों का, चिनका चौथा हेड और केरला ने शायद गेंद डाल दिए पहले और नहीं डाल पाए, उधर जम्मू कश्मीर डाल भी चुका उस ब्लॉक में। तो मैच बहुत रोमांचक गति से आगे बढ़ता हुआ, देखना है कौन सी टीमें इस मुकाबले को जीत पाएंगी। तो केरला हेड हेड बनाता हुआ, उधर जम्मू कश्मीर अभी वो सेंटर ही मिला रहे हैं और इधर मुझे लग रहा है गेंद उनकी गिर भी गई और यहाँ केरला ने ब्लॉक में डालकर आगे बढ़ा दिया, नीली कलर की गेंद अभी उनके तीसरे राउंड के ही उसमें चल रही है और वहां केरला का खिलाड़ी पहुंच भी गया, क्या फुर्ती दिखाई है उसने, निश्चित तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमें केरला के इस खिलाड़ी का स्वागत करना चाहिए। और मैच का ये हाफ भी पूरा हुआ, बहुत छोटा सा खेल लेकिन रोमांच और फुर्ती से भरा हुआ, स्फूर्ति की जरूरत, कंसंट्रेशन, कोऑर्डिनेशन की जरूरत, निश्चित ही थोड़ी देर में हमें जो हमारे स्कोरर हैं वो हमें इसकी संख्या बताएंगे और यहां से मंच से हम अनाउंस करेंगे, थोड़ी देर का उनको ब्रेक है यहां खिलाड़ियों को, फिर वो लाइन लगकर यहां खड़े हो जाएंगे थोड़ी देर बाद जैसे कि स्कोर को हम अनाउंस करेंगे। स्कोर मैं निवेदन करूंगा कि स्वामी प्रताप जी ये व्यवस्था करें कि स्वामी जी के श्रीमुख से ये स्कोर का मुख निकले कि कौन से खिलाड़ी हमारे जीते हैं, कौन सी टीम जीती है। सोडी जी कुछ कहना चाहते हैं? स्वामी सतनाम सिंह जी, श्री महंत स्वामी सतनाम सिंह जी, आपका विशेष कृपा रही इन तीन दिनों तक। स्वामी श्री महंत सॉरी महंत श्री सतनाम सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं,
उनका हम अभिनंदन करते हैं, आपकी विशेष कृपा रही इन तीन दिनों तक। और जो भी खिलाड़ी हमारे दर्शक दीर्घा में बैठे हैं वो बड़े उत्साह के साथ तीन दिनों तक लगातार खेले। इस खेल के दौरान पूरी स्फूर्ति से उन्होंने एक दूसरे की टीमों को ऊर्जा के साथ मनोबल बढ़ाया है। केरला के खिलाड़ी और जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी के बीच ये खेला गया मुकाबला का रिजल्ट थोड़ी देर में आएगा। मैं चाहूंगा एक बार प्रताप सिंह जी फिर से इसको ये खेलों के नियमों के बारे में आपको बताएं, जिससे कि आप इसको और अच्छे से समझ पाए। और आने वाले चैंपियनशिप कब होने वाले हैं फरवरी में, टूर्नामेंट में कैसे क्या नियम होंगे, कैसे यहाँ की टीम जाएंगी वो बताएंगे तो अच्छा होगा। मैं अपने सभी गेस्ट का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि ये खेल जो खेल है पूरा एकाग्रता पे, ध्यान पे पूरा टिका हुआ है, और इसीलिए हम लोगों ने इसको अफ्रीका से अपने देश में लेके आए हैं, और जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी हमें मिल रहा है। जिस भी स्टेट में, राज्य में हम लोग गए, स्कूल में, कॉलेज में, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसका मिला है। अभी आगे इसकी वर्ल्ड चैंपियनशिप अफ्रीका में होने वाली है, 16 कंट्री जहां पे पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें भारत भी एक है। 26 फरवरी से ये वर्ल्ड कप वहां पे होगा, उससे पहले ये चैंपियनशिप, पहली नेशनल चैंपियनशिप, यहां से जो बच्चे सिलेक्ट होंगे, 50 बच्चे यहां से सिलेक्ट होंगे 150 में से, जिनका नेशनल कैंप लगेगा और वहीं से टीम आगे खेलने के लिए जाएगी। हम आगे जनवरी में जम्मू कश्मीर, जो हमारे भारत देश का एक अभिन्न अंग है, वहां पे स्नो स्पोर्ट्स फेस्टिवल ज्योति फाउंडेशन करने जा रहा है, जहां पे ये इंटरनेशनल इवेंट होगा। अफ्रीकन कंट्रीज से, सभी अफ्रीकन कंट्रीज से भी यूथ रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे होंगे, यूरोपियन कंट्रीज से भी होंगे, और पूरे भारत भर से हमारे सभी स्टेट से युवती के रिप्रेजेंटेटिव्स अपने अपने खिलाड़ियों के साथ वहां पे पहुंचेंगे। आयन बॉल का खेल वहां पे होगा और छोटे छोटे खेल, वो भी आइस हॉकी और इस तरह के खेल वहां पे करवाया जाएंगे। स्पोर्ट्स फेस्टिवल जनवरी में जो हम वहां पे कर रहे हैं, उससे पहले ही दिसंबर में नेशनल कैंप होगा जो ये बच्चे खेल रहे हैं। इस चैंपियनशिप में हम लोग बता दें, जैसे कि आयन बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया अभी देश में स्ट्रक्चर बनाने का, अभी वो बहुत नए नए हैं, काम कर रहे हैं। अभी गवर्नमेंट से भी ये गेम रिकॉग्नाइज नहीं है। हम आप लोगों को बता दें, जो नेशनल रिकॉग्नाइज्ड जो गेम होते हैं, 46 जो गेम्स हैं, उसमें अभी आयन बॉल नहीं है। लेकिन जिस तरह से इसकी हमें रिस्पॉन्स हमें पूरे देश भर में मिल रहा है, जो उसके बाद मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज ये गेम हो जाएगा। उसमें अगर राणा जी की भी हमें पूरी मदद मिलेगी, उन्होंने वैसे तो हमें पूरी वादा किया है कि उत्तराखंड में भी इस गेम को पूरा प्रमोट किया जाएगा। तो इस तरीके से ये जो नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, 12 टीमों ने जो पार्टिसिपेट किया, इसमें मुख्य मकसद हमारा इस चैंपियनशिप से यही था कि अच्छे एथलीट्स, अच्छे खिलाड़ियों को चुना जाए और उनको वर्ल्ड कप के लिए ट्रेन किया जाए। तो हमने अभी इस चैंपियनशिप में कोई प्राइज मनी भी नहीं रखी थी, और फेडरेशन नई नई है, निकली है, अभी काम कर रही है देश भर में। तो जितनी अभी जो इस चैंपियनशिप का मुख्य मकसद था, वो तो यही था कि खिलाड़ियों को निकाला जाए, और इसके बाद आगे जैसे जैसे व्यवस्थाएं बनेंगी, रिसोर्सेज बढ़ेंगे, तो हम चाहेंगे कि खिलाड़ी इसमें फुल टाइम करियर बनाए, स्पोर्ट्स में आगे आए, और ना केवल प्लेयर्स बल्कि मैनेजर्स भी आगे आए स्पोर्ट्स में। और जैसा कि हम देखते हैं दुनिया में, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो ताकतवर देश हैं, जिनको वो स्पोर्ट्स में बहुत उनका स्ट्रक्चर आगे है, वो मेडल्स आगे लेके आते हैं, वो मेडल टैली में आगे हैं। तो हमारी कोशिश पूरी है ज्योति फाउंडेशन की कि स्पोर्ट्स में बच्चे आगे आए, कंट्री आगे आए, मैनेजर्स आगे आए। और मुझे लगता है कि अभी हमारे टीम का, दोनों जो टीम है, अभी जो केरला और कश्मीर जो खेली है, उनका जो कैलकुलेशन हो गया है, रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो जो भी रिजल्ट अभी डिक्लेयर होगा, वो स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी ही खुद अपने उसको बताएंगे। सब खिलाड़ी, मैं कहूंगा कि केरला और कश्मीर के खिलाड़ी मंच के सामने आ जाएं, एक लाइन, केरला और कश्मीर के खिलाड़ी मंच के सामने आ जाएं, अपने अपने परफॉर्मेंस का जो उनका रिजल्ट है वो अभी डिक्लेयर किया जाएगा। तो सारे खिलाड़ी बहुत थके हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत इन लोगों ने की है, अपना बेस्ट दिया है, क्योंकि जो टीम यहाँ हारेगी वो बाहर जाएगी, और जो टीम यहाँ से जीतेगी वो फाइनल में बिहार के साथ खेलेगी।
स्वस्ति श्री गुरु नानको विजयते वंदे गुरु नानकम गोप्योहम श्री गुरु नानकेन सततम श्री नानकायोम नमः। नान्यो मे श्री गुरु नानकाद गुरुवरात श्री नानकस्यास्म्यहम दासः सद्गुरु नानके मम रतिः त्रायस्व माम नानकः। मंचोपरि विराजमान हमारे विद्वत संत महंत मंडलेश्वर शास्त्रीगण और उपस्थित सम्माननीय खेल मंत्री पूर्व खेल मंत्री राणा जी और अन्य सभी अधिकारी और हमारे उच्च पदों पर आसीन सम्मानित अधिकारी जन और मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस खेल को प्रथम बार देख रहा हूं और अभी मेरे को पूरा समझ नहीं आ रही है, पर अब थोड़ा थोड़ा जैसे कि आप हमारे प्रताप जी बतला रहे थे उससे सब पता चल रहा था और होट चल जाएगा। बहुत प्रसन्नता की बात है कि इस टीम ने केरला की टीम के 251 नंबर और जे एंड के जम्मू एंड कश्मीर के 244 इस प्रकार से जो है केरला की टीम जो है इसमें विजित होती है, विजय को प्राप्त होती है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। उत्तराखंड की पावन भूमि में और 13 अखाड़ों में से श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा के प्रांगण में ये कार्यक्रम हो रहा है, मुझे हार्दिक प्रसन्नता है। मैं बहुत लंबा सफर करके आपके इस टीम के दर्शन करने के लिए और इसमें आपका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आया हूं। बहुत बहुत आशीर्वाद सभी टीमों को, हार्दिक प्रसन्नता। ओम। साथियों, श्री महंत जी के सम्मुख से अभी घोषणा हुई कि केरला की टीम प्रथम विजयी रही और यही खेलों की खूबसूरती है कि एक तरफ केरला कहां दक्षिण में, जम्मू कश्मीर कहां उत्तर पूर्व के कोने पर, उत्तर कोने पर, और दोनों टीमों के बीच मुकाबला होता है और इस तरीके से भारत जुड़ता है आपस में प्रतिस्पर्धा के साथ भी। हमारा जो फेडरल संघीय ढांचा है, जो विविधता है भारत की, चाहे वो पुरातन काल में रहा हो, वैदिक काल में रहा हो या वर्तमान काल में, उसके विभिन्न स्वरूपों में वो एक दूसरे को जोड़ता है। यही प्रयास इन बॉल फेडरेशन योटी फाउंडेशन का भी है, हम सबका है कि खेलों के माध्यम से हमारा देश आगे बढ़े। जब देश में संपन्नता होती है तो इच्छा जगती है कि उसका स्वाभिमान आगे बढ़े। इस देश में संसाधन के रूप में बहुत कुछ है और उन संसाधनों का उपयोग कर यह देश बहुत आगे जा सकता है, जहां तक गया है उससे भी आगे, और दिशा दे सकता है पूरी दुनिया को। तो क्यों ना इसके स्वाभिमान को जगाने के लिए खेलों में भी हम प्रथम स्थान पर उस स्पर्धा को जीतते हुए, तमाम स्पर्धाओं को जीतते हुए आगे बढ़े। और ऐसा ही प्रयास योटी फाउंडेशन हम सब लोगों का है, प्रताप जी का है, वसीम जी का, बाकी सभी साथियों का, कि हम लोग देश में एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करें, ऐसा ढांचा खड़ा करें विभिन्न जगहों पर, जहां खेल और खिलाड़ी दोनों सम्मानित हों, प्रोत्साहित हों और उनको वो तमाम सुविधाएं खेल के मिले कि जिसका उपयोग कर वो आगे बढ़े। दो सेमीफाइनल के मुकाबले खेले जा चुके हैं। पहले सेमीफाइनल के मुकाबले में बिहार की टीम ने झारखंड को हराया था और वो फाइनल के मुकाबले में पहुंची थी, फर्स्ट हाफ का जो मैच था। दूसरे पूल में जो मैच हुआ जम्मू कश्मीर और केरला के बीच, वो मैच केरला ने जीता और केरला और बिहार के बीच
होने वाला फाइनल मुकाबला थोड़ी देर में हम सबके बीच खेला जाएगा। मैं टीम मैनेजर्स, स्कोरर्स और इनबॉल फेडरेशन के तमाम खिलाड़ियों से, मैनेजर से, व्यवस्थापकों से निवेदन करता हूं कि वो आगे होने वाले खेल की तैयारियां शुरू कराएं। फाइनल मुकाबला, और इस फाइनल मुकाबले में दोनों टीमों को एक जुझारू मैच देखने को हमें मिलेगा, क्योंकि केरला ने कोई मैच हारा नहीं और अपनी इस बढ़त को वो कल के बाद आज भी बनाए रखा, जिसमें सेमीफाइनल में उन्होंने कल की एक मजबूत टीम जिसका सबसे ज्यादा एवरेज था पूरे खेल के दौरान, उसको हराया, जम्मू कश्मीर को। तो अब एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला केरला, दूसरी तरफ बिहार, जुझारू खिलाड़ी, दमखम लगाने वाले खिलाड़ी, अच्छा खेल दिखाने वाले खिलाड़ी हमारे बीच में बिहार की टीम के रूप में हैं। मैं प्रताप जी और बाकी साथियों से, वसीम जी से वगैरह से निवेदन करूंगा कि वो अगले मैच की तैयारी कराएं। बाकी बातों को हम लोग थोड़ी देर में फिर आगे उसको समझ लेंगे, बाकी सारे जो भी टीमों के अपने अपनी बातें हैं। कुछ टीमें चली जा चुकी हैं क्योंकि उनकी ट्रेन्स थी, दोपहर में ही ट्रेन्स थी। पंजाब, चंडीगढ़ के खिलाड़ी जा चुके हैं हमारे बीच से, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, इन सब की टीमें जो दूर थे जिनकी, अच्छा कुछ हैं, कुछ खिलाड़ी गए हैं, मेरी जानकारी में आया था कि कुछ खिलाड़ी जा चुके हैं और कुछ बने हुए हैं जो मैच के बाद जाएंगे। तो टोटल 150 लोगों की, हाँ, तो मैं चाहूंगा कि जब तक अगला खेल शुरू हो रहा है, तो जब तक खेल शुरू हो रहा है तब तक हम चाहेंगे कि हमारे अतिथियों में से एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले आरके लांबा जी, कि वो अपनी बात हम सबके बीच में रखें। आप हैदराबाद से आए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो मैं निवेदन करूंगा ये तार अगर वहां तक जाए तो मैं ले जाने की कोशिश करता हूं। मंच पर आसीन हमारे सभी महंतगण, ये धरती महात्माओं की धरती है। आज इस हरि की नगरी में, इस प्रांगण में ये प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है, बड़े हर्ष की बात है। हमें भी अपना सौभाग्य लगता है कि हम हैदराबाद से इतनी दूर से आए और सभी महात्माओं का हमें दर्शन करने का मौका मिला। और हमारे एक्सपोर्ट्स मिनिस्टर राणा साहब और सभी हमारे साथीगण, हमारे मित्र अनहद साहब, फिल्म एक्टर, और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के कार्यक्रमों के द्वारा बड़े प्रयत्न कर रहे हैं वो, और हमें बड़ी खुशी है कि हम भी उनके साथ अपना जो भी सहयोग और योगदान दे सकते हैं वो दे रहे हैं। और हमारे मित्र प्रताप जी जो ज्योति फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, और सोडी साहब और बाकी सभी अधिकारीगण और जितने भी ऑफिशियल्स हैं, मैं सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं। और ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत मुझे लगती है कि आज 12-15 स्टेट्स के लोग, बच्चे आए हैं, कहाँ बिहार है, कहाँ केरला है। हम भी 35 साल से साउथ में रहते हैं, काफ़ी गेम्स देखते हैं, लेकिन ज्योति फाउंडेशन का ये जो एन बाल का जो गेम है, ये बड़ा अनोखा लगा और बड़ा अच्छा लगा अभी देखकर कि कई खेल को मिला के ये इस एक खेल में डाल दिया गया है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी खेल 10-12 मिनट में खत्म हो सकता है। ये पहला ऐसा खेल है जो इतना आकर्षक है और इतने कम समय में इसका रिजल्ट्स निकल जाता है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि हमारे ट्रेनर्स भी काफी ट्रेन होंगे, हमारे प्लेयर्स भी काफी एजुकेट होंगे इसके बारे में, क्योंकि ये फोकस और कंसंट्रेशन का गेम है कि जिस कलर की बॉल उठानी है उसी कलर के टी शर्ट के प्लेयर को भागना है। वो कौन पहले रखता है, कौन हेड बॉल करता है, कौन पांव से मारता है, कौन हाथ से पास करता है। सो दिस इज ऑल टेक्निकलिटीज आर वेरी वेरी गुड ऑफ दिस गेम। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये बड़ा रिकग्नाइज गेम होगा ऑल ओवर द इंडिया, और हम भी हमारे भाई को
प्रॉमिस करते हैं कि साउथ में, आंध्रा में, तेलंगाना में, कर्नाटका में हमारी तरफ से जो भी सहयोग बन पड़ेगा, जितना भी हम कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, अपने देश के लिए, तो हमारा पूरा सहयोग इनके साथ है। और एक बार हमारे हैदराबाद की तरफ से और तेलंगाना और आंध्रा की तरफ से मैं अपनी गुड विशेष देता हूं। और सभी खिलाड़ियों को जीत हार लगी रहती है, हारने वाला कभी हारता इसलिए नहीं है कि भाई वो कम खेला है। हार जीत जैसे झारखंड और बिहार के बीच में हुआ, हार के भी जीत गए बिहार। एक नंबर की टेक्नोलॉजी मिस्टेक आ गई, किसी ने 3 फाउल कर दिए, किसी ने 6 फाउल कर दिए। प्लेयर सभी अच्छे होते हैं, जो बच्चा मैदान में उतरता है वो सभी हकदार है जीत का, लेकिन लास्ट में विनिंग एक ही टीम की होती है। हारने वाला फिर प्रैक्टिस करता है, फिर दोबारा जीत जाता है। आई विश ऑल यू द वेरी बेस्ट एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू द योति फाउंडेशन एंड ऑल द प्लेयर्स, कोचेस एंड अवर वेल विशर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। थैंक्स वन एंड ऑल। थैंक यू। धन्यवाद लांबा जी। जैसा कि आपने बताया है कि कितने कम समय में यह खेल खत्म होता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि जितना देर इस खेल को खत्म करने में लगता है उतना ही देर कैलकुलेशंस में लगता है। मतलब जो कोचेज हैं, जो कैलकुलेट कर रहे होते हैं, गणना कर रहे होते हैं, उनको भी बहुत एक बड़ा खेल खेलना होता है। उनकी पूरी एनर्जी लगती है, पूरा कंसंट्रेशन उनका उन खिलाड़ियों के बराबर होता है, और वो सैल्यूट के पार्ट हैं। हम ब्यूटी फाउंडेशन और एन बॉल फेडरेशन की तरफ से उन कोचेस को, उन कैलकुलेटर्स को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने गणना की और हमें बताया कि क्या रिजल्ट्स हैं। हमारे बीच में जसविंदर सिंह शास्त्री जी हैं, मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात रखें हम खिलाड़ियों के सामने। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम परम सम्माननीय हरिद्वार की पावन नगरी में मां भागीरथी के पावन तट पर श्री श्री निर्मल वेशभूषण विद्या मारतंड परमवीत राग श्री श्री श्रीमंत साहब महाराज जी की अध्यक्षता में मंचस्थ विद्वत संत महापुरुष परम सम्माननीय श्रीमान महंत कमलजीत सिंह जी शास्त्री मुखिया महंत श्रीमान परम सम्माननीय डॉक्टर स्वामी केशवानंद जी महाराज, परम सम्माननीय श्रीमान स्वामी हरिहरानंद शास्त्री जी महाराज, परम सम्माननीय पूर्व भूतपूर्वक खेल मंत्री राणा जी तथा निर्मल छावनी के मुकामी महंत संत सतनाम सिंह जी महाराज तथा अन्य अन्य महापुरुष और प्यारे खिलाड़ी जन, बड़ा ही सौभाग्य है जो हम लोग हरिद्वार की पावन भूमि में ये पहली बार इस गेम का जो खेल हो रहा है, और ये एक मंगल हो रहा है, क्योंकि जो भी कार्य विशिष्ट लोग करते हैं वो सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। तो सबसे पहली बार ये जो आयन बॉल है इसकी प्रतियोगिता हरिद्वार से होने में, हरिद्वार में होने के कारण मंगलाचरण हो गया है। तब मंगलाचरण जब हो जाता है, विघ्न विनाशकत्वम मंगलत्वम, सभी विघ्नों का नाश होता है मंगलाचरण करने से। तो ये आज ये हरिद्वार से मंगलाचरण हम कर रहे हैं, हम बहुत प्रसन्न हैं कि जो आयन बॉल आयोजन समिति के प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन सरदार रविंद्र सिंह जी सोढ़ी जी, प्रताप जी और अन्य अन्य सभी अधिकारी जन, जिन्होंने महाराज जी के आशीर्वाद से हमारे को आदेश दिया कि ये खेल पहली बार भारत में हो रहा है और हम लोग किसी पावन तीर्थ पर करना चाहते हैं, और उत्तराखंड देवभूमि
हरिद्वार में करने का संकल्प लिया है, तो हम लोगों ने प्रार्थना की कि जो भी हमारे से सहयोग होगा हम तैयार हैं, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था पूरा जो है श्री निर्मल पंचायती अखाड़े की तरफ से किया जाएगा। सब बड़ा ही सौभाग्य हम लोगों को मिला कि जो पहली बार जो खेल हमारे 13 अखाड़ों में श्री निर्मल पंचायती अखाड़े के प्रांगण में निर्मला छावनी में संपन्न होने जा रहा है, इसलिए हम अपने आप को एक खुशी महसूस करते हैं और सभी खिलाड़ियों का और अधिकारीजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने शब्द कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद महंत जी, शास्त्री जी। हमारे बीच एडवोकेट श्याम सुंदरम जी भी हैं, मध्य प्रदेश से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। मैं चाहूंगा कि वो अपनी बात खिलाड़ियों के बीच में रखें। इस अवसर पर पधारे परम पूजनीय स्वामी जी महाराज, उनके मैं चरण वंदन करता हूं, एवं परम पूजनीय संतगण, माननीय पूर्व एक्स मिनिस्टर साहब, स्पीकर साहब, मित्र सोड़ी जी, आदरणीय प्रताप जी हमारे मित्र, वसीम जी से बात हुई हमारी दिल्ली में, तो मैं बहुत बिजी था तो बोले कह लगे आना है आपको खेल देखने के लिए, लेकिन पहला खेल ऐसा था कि हम लोग देख करके आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि इतना अच्छा खेल जो समझने में जैसे कबड्डी होती है, कबड्डी और वॉलीबॉल दोनों का मिश्रण करके ऐसा बनाया गया है जो एक अद्भुत खेल है। हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट में लायर्स की एक टीम है, क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पर, और जजेस की भी है, तो जो क्रिकेट हम लोग जब खेलते हैं वहाँ पर तो सब लोग मिलकर खेलते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। अब आने वाले समय में हम लोग भी इनसे ट्रेनिंग लेंगे तो वहाँ हम लोग भी खेलेंगे सुप्रीम कोर्ट, नया खेल की नई मतलब ऊर्जा के साथ खेलेंगे, और आने वाले समय में ये खेल ऐसा प्रचलित होगा कि हर राज्य में, हर जिले में इसका प्रभावशाली छात्रों को निकाल कर देश का नाम रोशन करेगा। जय हिंद, जय भारत। स्वामी डॉक्टर केशवानंद जी से हम गुजारिश करेंगे कि वो भी अपने आशीर्वचन हमें दें। हरिओम। ओम भद्रन्नो अपि वातय मनः। ओम शांति शांति शांति। आज इस कार्यक्रम में निर्मल छावनी में हम सब लोगों के, हम संत संत समाज के संरक्षक पूज्य श्री महंत जी महाराज, समुपस्थित संत वृंद, ये जो हरिद्वार की भूमि है ये आध्यात्म के साथ साथ खेलों का भी यहाँ बहुत बड़ा योगदान रहा है, और ये क्षेत्र द्रोणाचार्य का क्षेत्र रहा है। यहाँ पर एक डेरा था, द्रोण का डेरा, डेरा द्रोण, उसी का ही नाम कालांतर में देहरादून हो गया। तो वो जो ये द्रोणाचार्य का, वैसे तो गुरुकुल गुरुग्राम में रहा, गुरुग्राम की जो धरती है वो उनका गुरुकुल रहा, परंतु उसका जो क्षेत्र था, खुद उनका डेरा था, जो आवास था, तो वो इसी क्षेत्र में हिमालय का क्षेत्र ही रहा, जिसका नाम था डेरा द्रोण, और बाद में कालांतर में देहरादून हो गया। तो इस क्षेत्र में जो हमने ये चयन किया है इस नए खेल का, अभी सभी लोग पहली बार ही हम देख रहे हैं, बड़े ऊर्जा से भरा हुआ यह जो खेल है, तो इसकी शुरुआत एक ऐसी जगह से की गई है जहाँ पर एक पावन एक क्षेत्र है जो हमारे सनातन परम्परा में कि एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ऐसा तीर्थ है, और ऐसे क्षेत्र में हमने एक ऐसे खेल का चयन किया है जो लोगों की अभी दृष्टि में नहीं आया है, लोगों को अभी इस खेल के बारे में जानकारी नहीं है। कल ही मैं किसी आचार्य से इसके बारे में चर्चा कर रहा था कि आयन बॉल ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये नहीं, हमको, हमने भी नहीं सुना है। तो मैं कहा आप तो देश विदेश में जाते रहते हैं, परंतु ये बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। तो इस क्षेत्र में ये
ये जो खेल है ये जैसे पूज्य स्वामी कोठारी जी ने भी संकेत किया कि एक मंगलाचरण के रूप में ये यहाँ से जो शुरुआत हुई है इसकी दिग्गंतर में ख्याति होगी और ये निर्विघ्नता से यहाँ से शुरू हुआ है तो और ये देश में सभी राज्यों में और देश में फैलेगा और आगामी जो इसका जो वर्ल्ड कप है उसमें हमारे देश की टीम कुछ अपना अच्छा प्रदर्शन करके और हमारे देश का गौरव वर्धित करेगी। हरि ओम तत्सत। हरि ओम। महंत हरभजन सिंह शास्त्री जी भी हमारे बीच में आए, उनको भी हम नमन करते हैं, उनका आशीर्वाद हम चाहते हैं वो भी बनाए रखें। और मैं चाहूँगा एक मिनट प्रताप जी, मैं जो हमारे रेफरीज हैं मैं चाहूँगा कि वो दोनों टीम के जो जो खिलाड़ी अभी तक खेल रहे थे उन खिलाड़ियों के नामों की सूची यहाँ दे दें जिससे वो खिलाड़ी उस मैदान पर रहेंगे, उनके जो मैनेजर्स हैं दोनों के केरला और बिहार के वो 12-12 प्लेयर्स की जो लिस्ट है वो कोचेस को दे दें, वहां जो रेफरीज हैं। और केरला की भी टीम अपने स्थान पर पहुंच जाए जैसे कि मैच चालू कराया जा सके, उनके मैनेजर्स इस बात का ध्यान रखें कि यहां धूप ज्यादा है, गेस्ट बैठे हुए हैं तो आप इस मैच को तुरंत शुरू करा लें, रेफरी से भी निवेदन है। और तब तक महंत कमलजीत सिंह शास्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे खिलाड़ियों के सामने अपनी बात रखें। शांताकारं प्रकृत विदरं वेदवंशं रमेशं ध्यानारूढं संदं युतो दासवृन्दैकतु सेव्यं भोगातीतं हरपदरतं सिद्धसङ्गैस्तु पूज्यं वंदे अहम तव रविकुलमणिं गुरुनानकं योगीराजम। आज हम इस पावन भूमि में श्री पंचायती अखाड़ा निर्मला के प्रांगण निर्मल छावनी में श्री 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 महंत स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी की अनुकंपा के कारण अनुकंपा के बल पर सब लोग यहाँ उपस्थित होकर आयन बाल को देख रहे हैं। संस्कृत की एक उक्ति है कि धर्म अर्थ काम मोक्षा नाम आरोग्यम परमम उत्तमम। धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पदार्थ हैं अध्यात्म के। अगर शरीर हमारा आरोग्य होगा तो सबसे बड़ा हमको लाभान्वित हो जाएंगे, हम सबसे बड़ा लाभ हो जाएगा। महात्मा बुद्ध जी ने कहा है अपने सूत्रों में त्रिपिटकों में आया है, आरोग्यम परमा लाभा संतुष्टि परमम धनम विशासा परमा नाति निब्बानम परमम सुखम। तो आरोग्य अवस्था कैसे रहे, आरोग्य रहने का एक ही बढ़िया सूत्र है व्यायाम करें, मेडिटेशन करें और हम स्वास्थ्यवर्धक बढ़िया टॉनिक खाएं, बढ़िया भोजन करें और उस भोजन को पचाने के लिए बढ़िया हम व्यायाम करें। वैसे तो सूत्रकारों ने संहिताओं में लिखा है, चरक जी ने लिखा है के मर्दन करने से, शीत जल के स्नान करने से और व्यायाम करने से वात पित्त कफ का हनन हो जाता है, शरीर तंदुरुस्त रहता है। इसलिए ये जो गेम आयन बाल है इसमें मेडिटेशन का भी पार्ट है, इसमें जो स्प्रिट लगाते हैं बच्चे दौड़ का भी पार्ट है, हैंडबॉल का भी है, ये मिश्रित गेम बहुत उत्तम गेम लग रही है। और जिस दिन से हमने सुना है देख रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि ये गेम
जैसे क्रिकेट को कुछ ही दिनों में वर्ल्ड में फेमस हो गई गेम, उसी तरह ये गेम भी पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगी और भारत से अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि भारत की जैसे हम देख रहे हैं बंधुओं को, बच्चों को खेलते हुए बहुत खुशी प्रसन्नता हो रही है। सब एक से एक बढ़कर खिलाड़ी हमारे यहाँ हैं। बाकी राणा जी यहाँ के, द्रोणाचार्य जी बैठे हैं, तो उनका भी गेम के प्रति उत्साह देकर हमको बहुत प्रसन्नता हुई। खुद बच्चों को देखकर खेलने का खिलाने का मन तो था उनका भी उस समय, लेकिन ट्रेनर ना होने के कारण वहाँ भी टीम नहीं ला पा सकी। तो हम तो चाहते थे कि उत्तराखंड की टीम भी हमारी बढ़िया रहती, हम लोग भी बीच प्रतिभागी रहते, तो फिर आगे आने वाले काल में संभव हो जाएगा। मैं इतनी ही बेनती करता हुआ वाणी को विराम देता हूँ और भगवान के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि ये अच्छी गेम प्रफुल्लित हो, सभी लोग इस गेम से इंजॉय करें और फिट रहें। इति अलम, सतनाम श्री वाहिगुरु। तो थोड़ी देर में ही ये मुकाबला, मुख्य मुकाबला, फाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट का, नेशनल चैंपियनशिप का, इन बॉल का जो 24, 25 और 26 तारीख को तीस दिवसीय यह खेल निर्मला अखाड़े में वेदा ग्रीन्स ग्राउंड पर खेला जा रहा है। दोनों टीमों के खिलाड़ी अपने अपने स्थान पर पहुंच गए हैं। मैं कोचेस, मैनेजर्स, रेफरी से निवेदन करूंगा कि वो जल्दी करें जिससे कि खेल अविलंब शुरू कराया जा सके। फाइनल मुकाबला मुख्य कोच खिलाड़ियों के नाम जांचते हुए, जिससे कि दोनों टीमों के बीच में कोई कंफ्यूजन ना हो कि जो खिलाड़ी उनके भारत है वही इस खेल में खेल रहे हैं, क्योंकि नया खेल है, खिलाड़ियों से पूरी तरीके से सभी लोग परिचित नहीं हैं। तो किसी भी कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने खिलाड़ियों की जांच की व्यवस्था भी रखी है, मुख्य कोच हमारे बीच में वो कार्य करते हुए, कि टीम के बीच में फेयर गेम हो, जो टीम जीते वह फर्स्ट इन बॉल चैंपियन कहलाए, नेशनल चैंपियन कहलाए, वो केरला हो, बिहार हो, कोई भी हो, पर जीतेगा हिंदुस्तान, क्योंकि आप सब आने वाले समय में एक ही टीम से खेलते हुए दिखाई देंगे उस वर्ल्ड चैंपियन टूर्नामेंट में। तो यहां पर तो आपको एक दूसरे के खिलाफ खेलना है, पर वहां एक साथ, यही खेलों की खूबसूरती है कि आपका जो खेल है प्रतिद्वंदिता तो होती है लेकिन वो दुश्मनी नहीं होती, वो स्थायित्व ग्रहण नहीं करता। उसी का सुंदर नमूना या इन बॉल कोऑर्डिनेशन, कंसंट्रेशन और फिजिकल एक्टिविटीज का कॉम्बिनेशन, तो मिला जुला मिश्रण खेल। झंडे को सही करते हुए हमारे रेफरी, तो खेलों के कुछ नियम बता देता हूं। जो बॉल पहले रखेगा उसको 3 पॉइंट्स मिलते हैं, जो सर्कल से पॉट में डालेगा उसको 3 पॉइंट्स मिलते हैं,
अगर वो सर्कल से नहीं डालता, नजदीक से जाके डालता है या कहीं और से डालता है, उसे एक पॉइंट मिलता है। गेंद उसमें नहीं जाती है तो कोई पॉइंट नहीं मिलता, गेंद गिर जाती है तो माइनस 3 पॉइंट होते हैं, और जो आप हेड से देते हैं उसके 3 पॉइंट्स, लेग से 2 पॉइंट्स और हैंड से 1 पॉइंट। तो खेलों का यह खेल या नियम, जो गेंद पहले रखेगा उसको 3 पॉइंट्स मिलते हैं, पहले उठाएगा उसमें कोई पॉइंट्स नहीं है, वो क्योंकि पूरा एक सर्कल ही होता है, इसलिए लास्ट में जो गेंद पहले रखेगा उसको 3 पॉइंट्स, जो सर्कल से पॉट में डालेगा उसको 3 पॉइंट्स। गेम शुरू हो चुका है, नीला झंडा पहले, और बिहार झारखंड और केरला के खिलाड़ियों ने गेंद को उठा लिया। देखना है पहले कौन रखता है, और हेड देने के लिए 3-3 अंक दोनों लोग जुटाते हुए, बिहार की टीम, और गेंद को पॉट में डाला, 3 अंक मिले, 1 अंक, हाँ उन्होंने साइड से डाला था तो 1 अंक ही उनको मिल पाएंगे, सर्कल से डालेंगे तो 3 अंक। खिलाड़ी इस बात का ध्यान रखें, 3 अंक ग्रहण करने के लिए आपको सर्कल से गेंद डालनी होगी, और हेड से 3-3 अंक जुटाते हुए, और फिर वो चूके 1 ही अंक ले रहे हैं, बॉल पहले रखना है इसलिए वो जल्दी में ये काम कर रहा है खिलाड़ी बिहार का, और उसने पहले गेंद रख दी है, केरला के खिलाड़ी ने भी रख दी, 3 पॉइंट्स पहले मिले बिहार को हेड करते हुए, और पहला हाफ का कड़ा मुकाबला बिहार और झारखंड और केरला के बीच। लाल कलर टी शर्ट्स के खिलाड़ी लाल गेंद को उठाने के लिए पहले उठाया, और जो रखेगा उसको वो 3 अंक मिलेंगे, जो हेड करते हुए 3-3 अंक को बढ़ाते हुए, देखना लाल गेंद को पहले कौन रख पाता है। दोनों टीम को खिलाड़ी लगे हुए हैं बिहार, और ये पॉट में डाला, 1 अंक मिलेंगे इनको, उधर केरला के खिलाड़ी ने भी साइड से डाला था, दोनों खिलाड़ियों के बीच रोचक मुकाबला, और पहले रखा केरला के खिलाड़ी ने, उधर बिहार का खिलाड़ी वापस आता हुआ हरे कलर की गेंद को लाकर हेड करते हुए 3-3 अंक जुटाते हुए दोनों टीम के खिलाड़ी, चौथा हेड मिला और इन्होंने नजदीक से जाकर 1 अंक जुटाया बिहार ने, और गेंद को रखने के लिए दोनों खिलाड़ी आगे दौड़ चुके हैं, केरला ने पहले रखा और नीली गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए दोनों टीम के खिलाड़ी हेड से 3-3 अंक जुटाते हुए। रेफरीज पूरे ध्यान से स्कोरर्स मैच में, दोनों तरफ हमारे दो दो स्कोरर्स लगे हुए हैं जिससे कि वो गणना को सही तरीके से कर सकें। ये खेल वेदा ग्रीन्स ग्राउंड में उत्तराखंड की देवभूमि हरिद्वार में हो रहा है। 3 अंक दोनों टीमों ने फिर से जुटाए, 3-3 अंक हेड से खेलते हुए, और खिलाड़ियों का प्रदर्शन लाजवाब, लाल कलर की में केरला ने डाल दिया है, 1 अंक उसको प्राप्त हो गया। पंचायती निर्मला खाड़ा के श्री महंत ज्ञानदेव सिंह जी का आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। अच्छा, ये खेल निर्मला पंचायती अखाड़ा के वेदा ग्रीन्स में हो रहा है, ग्राउंड निर्मला छावनी में हो रहा है। बेहतरीन खेल, पहला हाफ कंप्लीट हुआ, दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। और जितनी देर ये खेल होता रहता है सबका ध्यान पूरा कंसंट्रेशन होता है, अगर आप थोड़ा सा भी चूकेंगे, चाहे आप दर्शक हो, आप रेफरी हो, मैनेजर्स हो, प्लेयर्स हो, आप निश्चित ही चूक जाएंगे। तो 3-3 कैमरों के साथ इस खेल का लाइव प्रसारण हो रहा है, दर्शकों को भी कंसंट्रेट होना पड़ता है उतने देर तक, तो ये एक निश्चित ही एक ऐसा उपाय जिससे हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। और खेल के मैदान में वो कोऑर्डिनेशन भी खिलाड़ियों को दिखाना पड़ता है कि जिससे वो सही तरीके से जल्दी से उस गेंद को उसके पोस्ट तक पहुंचा पाए और 3 अंक प्राप्त करें। वसीम जी ने इस खेल को ट्रेनर्स को ट्रेन करने में, वो मोरक्को से इस खेल को सीख कर आए, कई बार गए वहां पर, चैंपियनशिप कांग्रेस में भाग लिया प्रताप जी और वसीम जी ने, और इस खेल को आज पहली चैंपियनशिप के रूप में हम सब आप सबके सामने है। 12 टीमों ने खेला, 2 दिन चला रोचक मुकाबले में, आज सेमीफाइनल में 2 टीमों ने जीत हासिल की, केरला और बिहार। झारखंड और जम्मू कश्मीर सेमीफाइनलिस्ट रहे और उन दोनों टीमों ने सेमीफाइनल में स्थान बनाया था। तो आज जो जीतेगा वो होगा इन बॉल फर्स्ट नेशनल चैंपियन ऑफ इंडिया,
और ये खेल यहीं रुकेगा नहीं, ये कार्रवाई यहीं रुकेगा नहीं। कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद हम एक नेशनल टूर्नामेंट आयोजित करेंगे जिसमें 50 खिलाड़ियों को चुना जाएगा। वसीम जी इस बारे में पूरी बात आपके सामने बताएंगे। गुड आफ्टरनून। हम इस खेल के दौरान जो भी हमारे सबसे अच्छे एथलीट्स जो इसमें निकल के आ गए, और इससे इसके बगैर भी हम ट्रेनिंग कैंप्स लगाएंगे भारत से हर किसी कोने से। हम चाहेंगे कि बच्चे आ जाएं और उस ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा बने जिसमें हम फाइनल 12 का सिलेक्शन करके इंडिया की टीम मोरक्को के लिए वर्ल्ड कप के लिए चुनेंगे। हम कोशिश करते हैं कि जो भी डिजर्विंग बच्चा हो, जो भी प्लेयर डिजर्विंग हो, वो भारत का रिप्रेजेंटेशन करे मोरक्को में और वर्ल्ड कप भारत की झोली में लाए, और जिससे हमारा पूरे देश का नाम भी रोशन हो जाएगा और हमारे खिलाड़ियों का, और बाकी जो हमारे इसके साथ सभी जुड़े हुए हैं, सभी साथी जुड़े हुए हैं, हमारे पैटर्न्स जुड़े हुए हैं, उनका भी दिल खुश करे इस वर्ल्ड कप को लाने से। तो ये चैंपियनशिप का फाइनल चल रहा है अभी, फर्स्ट हाफ खत्म हो गया, इसके बाद सेकंड हाफ होगा। और इस पहली जो फर्स्ट नेशनल चैंपियनशिप आयरन बॉल की है 2018 की, इसकी विनर घोषित की जाएगी। हम चाहेंगे कि एक बार फिर से सूचना दें, जो हमारे नेशनल कैंप होंगे, ट्रेनिंग कैंप होगा, जो सिलेक्शन कैंप होगा, वो हम मोस्ट प्रोबेबली, अभी हमने फाइनल नहीं किया, लेकिन जनवरी में हम वो लगा देंगे, सो दैट कि उसमें बच्चों को एक तो एडवांस ट्रेनिंग दी जाए, और जो है उसमें बच्चों को जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हो, जो डिजर्विंग प्लेयर्स हो, उनको सिलेक्ट करें। अभी मैदान में केरला की टीम अपने अपने सर्कल्स में आ चुके हैं। जो सर्कल्स में हूँ उनको हम फ्रीज प्लेयर्स बोल रहे हैं, वो नहीं निकल सकते तब तक जब तक रेफरी का जो है झंडा उस कलर का ना हो, जब तक वो रेज नहीं करेंगे तब तक वो नहीं निकल सकते हैं। अगर इन केस येलो झंडा उठ गया और रेड वाला निकला तो फाउल माना जाएगा, उसके -3 पॉइंट्स दिए जाते हैं। दोनों टीम बिहार भी अपने सर्कल्स में आ चुकी है, अपने अपने स्थान पे आ चुकी है। रेफरी दोनों टीम इसका जायजा ले रही है कि तैयार है कि नहीं। हमारे हेड कोच सईद अलीम, जिन्होंने आयरन बॉल को देश के हर किसी कोने में पहुंचाने में बहुत ही भूमिका जो है अपना योगदान प्राप्त किया है। माफ कीजिएगा, ज्यादा हिंदी आती नहीं है हमें। तो ये खेल शुरू हो गया, रेड वाला झंडा उठ गया, पहले बिहार के प्लेयर ने बॉल को उठा लिया, अब पासिंग स्टार्ट की, पहला ही हेड दे दिया, दूसरा भी हेड दे दिया, थर्ड हेड कंटिन्यूअसली हो रहे हैं, और बॉल को बिहार ने पहले इसमें डाल दिया बास्केट में, और पहली बॉल बिहार ने रख दी, इसके इनको मैक्सिमम पॉइंट्स मिल जाएंगे। अभी ग्रीन का सेशन चल रहा है, बॉल पहले केरला ने डाल दी ग्रीन वाली, और केरला ने पहले बॉल भी रख दी। अभी येलो की बारी चल रही है, दोनों टीम इसका यही प्रयास है, अटेम्प्ट है कि मैक्सिमम स्कोर्स गेन करें, इसलिए वो हेड कर रहे हैं, और केरला ने और बिहार ने एक साथ ही बास्केट में डाल के हुए, लगता है कि पहले बिहार ने बॉल पॉट कर दी। इस हाफ का फोर्थ फ्लैग उठ चुका है जो कि ब्लू है, और केरला ने पहले बास्केट कर दी। केरला का खेल बहुत ही देखने लायक है। मैं चाहूंगा जो हमारे
केरला टीम के बनाने में जिनका सबसे ज्यादा योगदान है वो मिस्टर रुजदन है, मिस्टर बाखिर है। किसी कारण रुजदन यहाँ पे नहीं आ पाए, वो केरला में है, लेकिन काफी कम समय में उन्होंने अपना ये जो है टीम तैयार कर दिया। और बिना रिसोर्सेस के हमें याद है जब उन्होंने अपने बास्केट्स के फोटोग्राफ्स भेजे, वो बम्बू के बनाए होते, बैम्बू स्टिक्स के उन्होंने बनाए थे। हम बिल्कुल उस रुजदन के चौंक गए थे कि हम इस बंदे ने इसका डेडिकेशन देख के हमें बहुत ही अच्छा लगा था। अभी ब्लू की चल रही है, अभी इस वक्त मुकाबला बहुत ही कांटे का टक्कर का हो रहा है। हेडिंग हो रही है दोनों साइड से, फाइनल है, लेकिन एक केरला ने एक फाउल कर दिया। मुझे लगता है बिहार पहले बॉल रखेगी। जी बिल्कुल, बिहार ने पहले बॉल रख दी और ये साफ में बिहार शायद उनको लगता है कि वो आगे चली गई है। दोनों टीम्स का पूरा भरोसा है, हम चाहेंगे कि स्कोरर इवैल्यूएशन करने के बाद मंच पे आ जाएं। रेफरी के साथ रेफरी सईद अलीम, इवैल्यूएशन के बाद बोलूंगा, रेफरी सईद अलीम को जानकारी दे, ये सूचना दी जा रही है कि वो इवैल्यूएशन के बाद सारा स्कोर कार्ड मंच पे लाए। रेफरी सईद यहीं आ जाए और रेफरी मैनेजर्स एक साथ यहां पे आ जाए, मंच पे आ जाए। मैं चाहूंगा अब मैं हिमांशु जी को ये माइक। हेलो, हमारे बीच में नारायण सिंह राणा जी हैं जो द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, और चूंकि फाइनल का ये मुकाबला खेला जा चुका है और थोड़ी देर में कैलकुलेशंस के बाद हमारे बीच में रिजल्ट्स भी होगा, तो मैं चाहूंगा कि तब तक उनके मुखार बिंदु से हम सबके लिए कुछ प्रेरणा, कुछ खेल की बातें, कुछ उनके पूर्व के अनुभव और कुछ भविष्य वो निश्चित ही हम सबके बीच में रखेंगे। उनका आशीर्वाद श्री नारायण सिंह राणा जी। संत शिरोमणि परम संत परम पूजनीय ज्ञानानंद देव सिंह जी महाराज और सभी संत जी, कमल जी जी और सभी संत महानुभाव और हैदराबाद से आए हमारे और यहाँ पीछे जिन्होंने फिल्मों में काम किया है वो हमारे बीच में हैं, और हमारे प्रताप जी और आप स्वामी जी दोनों हमारे पास में आए थे। मैं अपना इवेंट छोड़ करके आया हूँ, वहाँ पे 6000 बच्चे अभी खेल रहे हैं, वहाँ निशानेबाजी की नॉर्थ जोन शूटिंग चैम्पियनशिप हो रही है। और मैं जैसा कि महाराज जी ने बोला है, ये देवभूमि है, संतों की भूमि है और अमृत की जो बूंद यहाँ पे गिरी थी गंगा किनारे वो धरती है, और यहाँ से आपने इस महत्वपूर्ण खेल की शुरुआत की है। तो जैसा बताया था कि मंगलाचरण से शुरुआत हुई है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही इसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। मैंने भी पहली बार इस खेल को देखा है, लेकिन मैं 3-4 ओलंपिक्स में जा चुका हूँ, एशियन गेम्स में जा चुका हूँ और बहुत ही खेलों से जुड़ा हुआ हूँ। आई हैव गॉट द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन 1967 इन शूटिंग एंड आई एम स्टिल शूटिंग। 50 साल हो गए शूटिंग करते हुए। वाशिल जी हैं जो इस खेल को आगे बढ़ा रहे हैं, जिन्होंने बाहर से लाया। रियली हिंदुस्तान में खेलों का जो है जो महत्व है, जिस तरीके से ओलंपिक में अभी पिछले ओलंपिक में आपने देखा कि 2 मेडल आए हैं, वो भी लड़कियों ने, जिनको हम कोख में मार देते हैं, उन बच्चों ने देश की इज्जत बचाई है। तो ये बहुत ही हमारा देश खेल के मामले में बहुत पीछे है। शूटिंग में एक अकेला
अभी तक इंडिविजुअल गोल्ड मेडल अभिनव इंद्रा ने लाए निशानेबाजी में, बाकी 3 गोल्ड मेडल जो आए हैं हॉकी में आए हैं। तो मैं तो आप महानुभावों से संतों से निवेदन करता हूं कि आज अगर विश्व में अपनी पहचान करनी है संतों के द्वारा तो हमारी विश्व गुरु माना जाता है, लेकिन आप लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगे, इतनी जमीन है, इतने अखाड़े हैं, आप खेलों की तरफ ध्यान दीजिए, आप खेलों की तरफ, जो युवा पीढ़ी है मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिकता पे जाने वाली है, है लोगों का रुझान है, लेकिन खेलों में और आजकल जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जमाना है जिसमें कंप्यूटराइजेशन है सारी चीज़ें, बच्चे उस तरफ जाना चाहते हैं, जॉब की भी गारंटी है। अभी केंद्र सरकार ने खेलों के लिए बहुत बड़ा एक स्टेप उठाया है जिसमें हर खिलाड़ी को जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी खेलेगा उसको जॉब की गारंटी है। कैश अवार्ड ओलंपिक में 6 करोड़ रुपया कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हरियाणा ने, पंजाब ने, यूपी ने, तो पैसा भी है, नाम भी है और इन बच्चों का जॉब भी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये बहुत बड़ा आर्य खेल, जिस तरीके से मैंने इसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की है और हम इसको तुरंत कल से ही शुरू करेंगे अपने अपना, हमारा जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे हमारे प्रोफेसर भी आए हुए हैं, तो बाकी मैंने आपसे इसका नियम वगैरह ले लेंगे जो भी ग्राउंड की मार्किंग है। और बहुत ही अच्छा खेल है जिसमें एथलेटिक्स हैं, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है और सबसे बड़ी बात है कंसंट्रेशन है, ध्यान का केंद्र है, झंडा कब उठ रहा है, कौन सा कलर का उठ रहा है, किस रिंग में डालना है, कौन सा आदमी दौड़ेगा, किस कलर का है। तो बहुत ही मैं बधाई देता हूं वसीम जी को कि आपने रियली बहुत दूर वहां से मोरक्को से इस गेम को यहां पे लाया है और आप लगी इसमें, हम आपके साथ में हैं, केंद्र ने सरकार हमारी है, राज्यवर्धन राठौर को भी लिखेंगे, खेल मंत्री को भी लिखेंगे, इसको खेल को जल्दी मान्यता मिले और ये खेल ओलंपिक के जो हमारे खेल है उस चार्टर में आए। और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई परेशानी नहीं, थोड़ा 2-4 बार आपको दिखाना पड़ेगा, जो भी ओलंपिक कमेटी है, राज्य हमारे जो राजीव मेहता जी हैं वो भी उत्तराखंड से ही हैं जो अभी ओलंपिक एसोसिएशन को देख रहे हैं। और मैं आप सभी खिलाड़ियों को, जितने भी बाहर से आए हुए खिलाड़ी हैं जो फाइनल में पहुंचे हैं, केरल, बिहार, झारखंड और कश्मीर जे एंड के, आप सभी को बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा खेला आपने। और थोड़ा टेक्निकल पॉइंट से रहते हैं, उसको बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करें क्योंकि इसमें स्पीड भी चाहिए, मेंटल ट्रेनिंग भी चाहिए और कम्बिनेशन भी चाहिए। तो मैं आपको बधाई देता हूं, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आप लोग जाइए वर्ल्ड कप में, मोरक्को में जाइए, देश का नाम ऊंचा करिए और इस देश को आवश्यकता है खिलाड़ियों के द्वारा। किसी भी कंट्री के अगर रैंकिंग देखी जाती है, किसी भी देश की अगर रैंकिंग देखी जाती है तो 3 बातों में देखी जाती है, एक नंबर है कि वो पैसे में बहुत धनाढ्य है, जैसे अमेरिका है दुनिया में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक पावर है उसके पास, दूसरा सैन्य पावर जैसे चीन है या रशिया है उनके पास बहुत, और तीसरा खेलों में जब ओलंपिक में पदक आता है तब भी 4 साल के बाद उसकी रैंकिंग होती है तो हम उसमें बहुत पीछे हैं। आप लोगों के द्वारा हम चाहते हैं कि हम ओलंपिक में और अच्छे मेडल लाएं, साधु संतों का आशीर्वाद मिले और इस देश में खिलाड़ियों के द्वारा ये देश, अगर आप खेलेंगे तो आप स्वस्थ नागरिक तो होंगे ही, इसके साथ साथ आप जहां भी जाएंगे, सेना में जाएंगे वहां अच्छे सैनिक होंगे, पुलिस में जाएंगे वहां बहुत अच्छे पुलिसकर्मी होंगे, समाज में भी रहेंगे तो समाज में जो कुरीतियां हो रही है, जो लोग अच्छे खासे दिमाग वाले विकलांग हो रहे हैं और विकलांग खिलाड़ी अभी जाकर के ओलंपिक में मेडल ला रहे हैं, वो विकलांग नहीं है, विकलांग वो जो रेप कर रहे हैं सड़कों पे, वो लोग हैं। और खिलाड़ी का मेरा अपना अनुभव है 50 साल का कि खिलाड़ी कभी भी गलत काम नहीं करेगा, वो झगड़ा नहीं करेगा क्योंकि रोज हारता रोज जीतता है, अभी हार गया कल जीतेंगे, तो उसके उसके जेहन में है हारना और जीतना। लेकिन एक बिगड़े हुए बाप का बेटा जो पैसे वाला है, अगर उसकी गाड़ी में हॉर्न दे दिया और उसने पास नहीं दिया और कनपट्टी में गोली लगा के मार देते हैं, ऐसी घटनाएं हुई है ना, हो रही है रोज, वो क्यों हो रही है, कि वो खेलते नहीं है, वो सब कुछ घर में सब कुछ है, थोड़ी सी बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, घर में नौकर चाकर है, कुछ बात हो गई उनसे पीट देंगे, सड़क पे आ जाएंगे सड़क पे किसी को मार देंगे। तो खिलाड़ी एक बहुत बड़ी संपत्ति है देश की, कि जो भी होगा अनुशासित होगा,
देश के लिए नाम ऊंचा करेगा, अपने परिवार का नाम ऊंचा करेगा। अभी जसपाल राणा का नाम सुना है सबने, वो मेरा बेटा है जो कई बार विश्व चैंपियन बन चुका है, एशियन गेम में 3-3 गोल्ड मेडल ला गया। और वही नहीं, जो छोटा वाला बेटा है सुभाष, वो अभी पैरा ओलंपिक्स में कोच बन के गया था, 3 कोटा प्लेस आए हैं अभी ओलंपिक गेम्स के लिए 2020 के लिए वो लेके आया। मेरी बेटी जो कॉमनवेल्थ चैंपियन है, राजनाथ सिंह जी की बहू है होम मिनिस्टर की, वो भी कॉमनवेल्थ गेम की मेडलिस्ट है। और मेरी पोती जसपाल की बेटी अभी 2-3 बार वर्ल्ड चैंपियन जीत के आई है। तो पूरी फैमिली खेलों में लगी हुई है। मैं साधु संतों से भी निवेदन कर रहा था कि यहाँ हमको हरिद्वार में एक कोई जगह दे दीजिए जहाँ हम शूटिंग का शुरू करें। और वो इसलिए करें कि गीता में कहा गया, शस्त्रण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। जिस देश में शस्त्रों के द्वारा समाज और राष्ट्र की रक्षा होती है, वहीं धर्म सुरक्षित रहता। और आज जो हालात हो रहे पूरे देश और दुनिया में, उसमें धर्म को सुरक्षित रखने के लिए हमको अपने युवा पीढ़ी को मजबूत करना पड़ेगा, उनको तैयार करना पड़ेगा। बहुत मैं पुनः आपको बधाई देता हूँ। एक छोटी सी कविता मैं अभी अपने बारे में, क्योंकि जब मैं 9-10 साल का था तो मेरे मदर फादर की डेथ हो गई थी, 10 साल में मेरी शादी हो गई थी, और उस सिचुएशन से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मिनिस्टर बन गया, अभी खेलों में इतनी सारी ऊंचाइयों को छुआ है और बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं नाते पोते तक। तो 4 लाइनें सुनाता हूँ आप लोगों को, इसमें आत्मसात करना चाहिए और आप उस मंजिल पे पहुंच सकते हैं जिस मंजिल पे हम पहुंचे। मेहनत से उठा हूं, मेहनत का दर्द जानता हूं। एक अनाथ बालक 9-10 साल में निकला 2 जोड़ी कपड़ों में घर से, यहां तक पहुंचा, उसी के बारे में लिखा। मेहनत से उठा हूं, मेहनत का दर्द जानता हूं, आसमां से ज्यादा जमी की कीमत जानता हूं। लचीला पेड़ था, घर से निकले थे, हमारे सामने राजा महाराजा सब शूटिंग करते थे, हमारे पास में कुछ नहीं, हथियार नहीं होता था, एक लकड़ी का पिस्टल बना के ट्रेनिंग करते थे और वो सब अकड़ के खड़े रहते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते थे। उसके बारे में लिखा था कि लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधियां, लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधियां, मैं मगरूर दरख्तों का हसर जानता हूं, उनको गिरते हुए देखा, सारे रिकॉर्ड टूटते हुए देखे उनके। मेहनत बड़ी तो किस्मत भी बढ़ चली, नंगे पैर अपने गांव से पैदल आते थे 40 किलोमीटर, जूता नहीं होता था पैर पे, छाले पड़ जाते थे, उसके बारे में 2 लाइन। मेहनत बड़ी तो किस्मत भी बढ़ चली, लेकिन छालों में छिपी लकीरों का दर्द जानता हूं। और एक बात सबके लिए, कई लोग बहुत टेंशन में रहते हैं, चेहरे पे हंसी नहीं रहती है, दांत दिखाते नहीं है, हंसते नहीं है, दांत खाने के लिए भी होते हैं, दिखाने के लिए भी होते हैं और हंसी के लिए भी, उसके लिए 2 लाइन। बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देता हूं, बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देता हूं, आधे दुश्मनों को तो यूं ही हरा देता हूं। अंतिम लाइन सबके लिए है, साधु महात्माओं के लिए भी है, आप सबके लिए भी है, कि हम चिपक जाते हैं अपनी प्रॉपर्टी पे, अपने परिवार पे, अपनी सारी संस्थाओं पे, लेकिन एक क्षण आएगा जब आपका शरीर, आत्मा निकल जाएगी, शरीर सड़ना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए 2 लाइन है कि बहुत कुछ पाया पर अपना कुछ नहीं माना, बहुत कुछ पाया पर अपना कुछ नहीं माना, एक दिन मिट्टी में मिलना है ये जानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नारायण सिंह जी से ये निवेदन करूंगा कि जो टीम जीती है उसका अनाउंस करें और स्कोर्स बताएं। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। और मेरे ख्याल से थर्ड टीम की भी अनाउंसमेंट होनी चाहिए, क्योंकि जो सेमीफाइनल में जो दोनों, अच्छा, तो आप लोगों को बधाई। आप लोग गेस लगाइए कौन टीम जीत रही है। केरल क्या बोलते हैं इस मामले में, कौन जीत रहा, विच टीम इज विनर्स। चलिए, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा, दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला। और बिहार तो लकी है, तो बेचारा हार गया था, टेक्निकली आया ना फाइनल में, आपको तो हरा दिया था। ये भाग्य होता है, ये मुकद्दर होता है। देखो, आप तीसरे नंबर पे भी तीसरा भी प्राइज नहीं मिलता आपको, क्योंकि 2 ही को प्राइज दे रहे हैं ये, तो आप लकी है कि टेक्निकली अनाउंसमेंट के बाद आप फाइनल खेले और आप जीत गए हैं। बहुत बहुत बधाई। बिहार के 278 अंक आए हैं और केरल के 212। बिहार 66 पॉइंट से जीती है। बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और अगला
अगला मुकाबला मोरक्को में आप सब लोगों के माध्यम से कई लोग जाएंगे वहां पे, अपनी टीम बनाइए। और अगर आप चाहेंगे तो मोरक्को जाने से पहले आप हमारे हमारे इंस्टीट्यूट में 5-10 दिन का हम कैंप लगा देंगे वहां पे बच्चों की, जो भी आपकी फाइनल टीम होगी। बहुत अच्छी जगह है, गर्मी भी कम है, देहरादून में हम रहने खाने की व्यवस्था कर देंगे 50-60 बच्चों की। आप आइए, ग्राउंड बना देंगे ऐसा ही वहां पे, और आप आइए, हम आपका स्वागत करेंगे वहां पे और टीम को तैयार करेंगे। धन्यवाद नारायण सिंह राणा जी की, आपने वो उद्गार प्रदर्शित किए कि नेशनल चैंपियनशिप हम आपके यहाँ करा सकें, नेशनल कैंप 50-60 बच्चों की। साथियों, केरला के लिए मैं एक बार बता दूं, क्योंकि हिंदी समझने में उनको प्रॉब्लम हुई, तो 278 पॉइंट्स, केरला गॉट 278 पॉइंट्स एंड बिहार गॉट 212 पॉइंट्स। तो सॉरी, बिहार गॉट्स 278 पॉइंट्स एंड केरला गॉट्स 212 पॉइंट्स, सो बिहार वॉन्स बाय 66 पॉइंट्स। सो फर्स्ट नेशनल चैंपियनशिप ऑफ इन बॉल गोज टू बिहार एंड रनर अप ऑफ टूर्नामेंट इज केरला। हाँ निश्चित ही, हाँ ठीक ठीक है। तो मैं निवेदन करूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल रनर्स टीम ऑफ टूर्नामेंट ऑफ चैंपियनशिप केरला प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड गेट देयर ट्रॉफीज एंड मेडल्स बाय आवर ऑनररी मेंबर्स और गेस्ट। सो टीम केरला, प्लीज कम फॉरवर्ड। वॉलेंटियर्स थोड़ी मदद कर दें, एक एक करके केरला के खिलाड़ी आगे आएंगे, फिर उसके बाद जो फाइनल जीती है टीम उनके खिलाड़ी आएंगे बिहार के, फिर मैनेजर्स और कोचेस। अनाज भाई से दिलवा देते हैं ना, अलग अलग से सब। हाँ हाँ हाँ, तो पहले प्रताप क्या बोलूं, मेडल्स। सो मैं स्वामी जी श्री महंत जी और हमारे बीच में खेल मंत्री, पूर्व खेल मंत्री नारायण सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप एक एक खिलाड़ियों को मेडल्स पहनाकर उनका उनको आशीर्वाद दें और उनका उत्साहवर्धन करें। ये रनर सब बोलिए ना, ठीक है आप यहाँ आ जाओ। सो केरला प्लेयर्स प्लीज कम वन बाय वन, सो यू विल गेट मेडल्स फ्रॉम दिस ऑनररी गेस्ट, सो प्लीज कम फॉरवर्ड वन बाय वन। आदरणीय श्री महंत जी दे दो, दिया वो आगे दे रहा है वो, प्लीज कम फॉरवर्ड वन बाय वन। केरला मेंबर्स, केरला टीम प्लेयर्स प्लीज कम। नेक्स्ट प्लीज, वो भी मान लेते हैं रखते जा। अनाथ भाई स्वामी जी आप भी खड़े हो जाइए। प्रताप भाई स्वामी जी वगैरह से भी पहनवा, इन दो से भी पहनवा देना। So well played by Kerala team. Now they will get trophy from our honorary guest. Please sit on the stage, team Kerala. Ab main ये टीम मैनेजर
ऑफ केरला। एक एक बार ऐसे दे दीजिए, उसके बाद फिर केरला के खिलाड़ी जो इस टूर्नामेंट के रनर अप रहे हैं ये फोटो सेशंस के दौरान, मैं अब निवेदन करना चाहूंगा कि विनर टीम बिहार की टीम, उसके लिए एक जोरदार तालियां हो और आप मंच पर आए और एक एक कर आप अपना मेडल प्राप्त करें। बिहार की टीम फाइनल का यह मुकाबला बिहार ने 66 पॉइंट से जीता है, केरला को 212 पॉइंट्स। छप्पन नहीं 66 लिखा है भाई, ठीक है ठीक है, आप ही बताओ। बिहार के खिलाड़ी का उत्साहवर्धन करते हुए पूर्व खेल मंत्री द्रोणाचार्य अवार्डी, मैं निवेदन करूंगा प्रताप जी और अन्य लोगों की भी सहभागिता सुनिश्चित करें, जिससे कि उन खिलाड़ियों को आप दो चार लोग आगे आ जाओ और बाकी लोग भी मेडल्स पहना दें, अनाथ भाई और ये श्री महंत जी और उधर शास्त्री जी वगैरह को भी कुछ मेडल्स दे दीजिए, जिससे कि अच्छा महाराज जी बाकी बच्चों को पहना दें। शानदार खेल का आयोजन, पहला नेशनल चैंपियनशिप जिसमें चैंपियन बनी बिहार की टीम, खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन होते हुए, और मैं चाहूंगा कि अनहद श्री खटकर भाई इस टूर्नामेंट के विनर्स की ट्रॉफी आपके माध्यम से इन खिलाड़ियों को मिले, स्वामी जी श्री महंत जी और खेल मंत्री जी के साथ वॉलेंटियर्स वो ट्रॉफी लेके आए जो विनर्स टीम को दी जाने वाली है, और श्री अनहद सिंह खटकर जी, श्री सैयद वसीम जी जो सेक्रेटरी हैं, प्रताप सिंह चौहान जी, आप सब लोगों की तरफ से के साथ श्री महंत जी और पूर्व खेल मंत्री को फाइनल टीम के खिलाड़ियों को कोचेस को ये टूर्नामेंट उनके कैप्टन्स को दिया जाए ये ट्रॉफी। कैप्टन ऑफ बिहार इन बॉल टीम अनहद भाई, प्रताप जी, वसीम जी, श्री महंत जी और खेल मंत्री शास्त्री जी और बाकी सभी सम्मानित साथी, सोडी जी जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं, आप सबकी मौजूदगी में यह ट्रॉफी बिहार के खिलाड़ियों को दिया जा रहा है और निश्चित ही वो ऊर्जावान और इससे काफी प्रेरणा पाएंगे और आगे चैंपियनशिप में पूरी टीम उनके लिए जोरदार तालियां बजाए पूरा मैदान में जो कोई भी खिलाड़ी बैठे हैं, आप सब मिलकर एक नेशनल कैंप में चुने जाएंगे, साथ खेलेंगे और वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो निश्चित ही अच्छा खेलेंगे तो जीतेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि टीम के मैनेजर्स एक एक करके आए और वो यहां पर ट्रॉफियां ग्रहण करें। टीम के मैनेजर्स, हाँ सभी टीम के ना, सभी टीम अब वसीम जी अनाउंस करेंगे। गुड आफ्टरनून, मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा हर किसी कोच को और मैनेजर को जो भी मुझे लगता है ये उनकी सफलता है, ये उनकी सक्सेस है कि वो अपने टीम्स को अपने बेस्ट जो प्लेयर्स हो प्लेयर्स को इस काबिल बना पाए कि वो इस नेशनल चैंपियनशिप का हिस्सा बने। तो
तो मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा कुछ लोगों को जो मैनेजर्स यहाँ पे है। सबसे पहले मैं हमारे जो इस पूरे नेशनल चैंपियनशिप के रेफरी जो थे सईद अलीम, जो कि इंडिया के हेड कोच भी है, सईद अलीम आगे आ जाएं, इनको मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा क्योंकि ये सईद अलीम जो कि इस नेशनल चैंपियनशिप के रेफरी है, इनका बहुत ही ज्यादा 3 दिन 4 दिन तक एक ही टांग पे खड़े रहे धूप में, शायद सोना। अब मैं मैनेजर्स को चाहूंगा, मैं नॉर्थ से ही आऊंगा, शौकत जो कि असिस्टेंट रेफरी भी थे, ये जम्मू कश्मीर टीम के कोच भी है, मोहम्मद आसिफ जो कि पंजाब के हैं, पंजाब टीम के मैनेजर और कोच मोहम्मद आसिफ, और हमारे चंडीगढ़ के परविंदर पाल मैनेजर और कोच आगे आ जाए। और मैं बिहार के मिस्टर रंजन को बुलाना चाहूंगा, झारखंड के कोच मिस्टर दिलीप, रंजन जो कि हरियाणा के कोच रंजीत, सॉरी माफी चाहूंगा मिस्टर रंजीत, और मिस्टर असगर ऑफिशियल्स में, हिमांशु तिवारी जो कि ओती फाउंडेशन के एक अहम स्तंभ है, पिलर है, मतलब वो आगे आ जाएं। पवन सोलंकी, मध्य प्रदेश से कोच और मैनेजर, कोच और अशोक दायमा जी, मैनेजर अशोक दायमा जी मध्य प्रदेश से, मिस्टर बाखिर जो कि रनर्स अप टीम है केरला से, मिस्टर सोलंकी मध्य प्रदेश से, और अब मैं ये माइक हिमांशु जी को देना चाहूंगा, वो बाकी आपका प्रोग्राम गेस्ट प्रताप क्या करना है? मैं चाहूंगा कि प्रताप जी और वसीम जी हमारे जो गेस्ट हैं, और सोडी जी जो वाइस चेयरमैन हैं इस इनबॉल फेडरेशन के, आप सब श्री महंत जी से शुरू करके राणा जी, अनहत जी, लांबा जी, मैं चाहूंगा प्रताप जी हमारे श्री महंत स्वामी जी को यह भेंट देकर आपसे आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री महंत जी का आशीर्वाद मिलेगा तो यह एन बॉल फेडरेशन और आगे बढ़ेगा। मैं चाहूंगा कि हमारे साथियों को आशीर्वाद दें जिससे कि हमें और ऊर्जा मिले और हम आगे बढ़ सकें। मैं चाहूंगा वसीम जी श्री नारायण सिंह राणा जी का को यह भेंट स्वरूप, याद स्वरूप ये ट्रॉफी दें जैसे कि नारायण जी को याद रहे
और समय समय पर उनका निर्देशन और दिशा निर्देशन इन बॉल को मिलता रहे। हम उनके आभारी हैं कि वो यहां पर आए। मैं चाहूंगा प्रताप जी की लांबा जी का आप स्वागत करें ट्रॉफी देकर, उनको यह भेंट देकर, जिससे कि दक्षिण के दिशा में यह टूर्नामेंट या खेल आगे बढ़ सके। और मैं चाहूंगा कि वसीम जी श्री अनहद सिंह खटकर जी को भी यह भेंट दे सकें, भेंट दें, जिससे उनको इस खेल के बारे में समय समय पर याद आती रहे और फेडरेशन उनके अनुभव से लाभान्वित होता रहे। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में शर्मा जी भी हैं, प्रताप सिंह चौहान जी उनको यह भेंट दें। पत्रकारिता में आपने काफी मदद की पांडे जी, जिससे कि हमारी बात उत्तराखंड और अन्य अखबारों में पहुंच सकी। शर्मा जी को प्रताप सिंह जी चौहान जी भेंट स्वरूप यह दें। हमारे पास कुछ और ट्रॉफीज हैं, मैं चाहूंगा शास्त्री जी भी हमारे बीच में हैं, सत्ताम सिंह जी, डॉक्टर केशवानंद जी, आप उनको भी यह भेंट देकर उनको भेंट स्वरूप यह दें, जिससे कि उनका आशीर्वाद हमें याद स्वरूप मिलता रहे समय समय पर। साथियों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमारे बीच में एडवोकेट महोदय श्याम सुंदरम जी भी हैं मध्य प्रदेश से। मैं चाहूंगा वसीम जी उनको भेंट स्वरूप या ट्रॉफी प्रदान कर या उपहार दें, जिससे कि वह हमें प्रेरणा देते रहे। हमारे बीच में कमल सिंह जी हैं शास्त्री जी, मैं चाहूंगा प्रताप सिंह चौहान जी आपको भेंट स्वरूप यह प्रदान करें। हमारे सोडी जी कुछ कहना चाहते। आज के इस ऋषि मुनों की पवित्र धरती पर पहुंचे हमारे सब विद्यार्थी जनों, खिलाड़ियों नारायण सिंह जी, राणा जी और पूजनीय श्री श्री स्वामी महंत ज्ञानदेव सिंह जी, अध्यक्ष मुखी श्री पंचायती खाड़ा निर्मला, कमलजीत सिंह जी शास्त्री मुखिया महंत श्री पंचायती अखाड़ा निर्मला, महंत जसविंदर सिंह जी कोठारी और महंत हरभजन सिंह जी, आओ शास्त्री जी सब फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हम सबसे आभारी हैं श्री महंत स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी का, कि जब हमने इनके से बात की कहे महाराज जी हम एक खेल नया लेकर आए हैं, प्रताप जी वसीम जी हम सब ने सोचा कि किसी धार्मिक नगरी पे किया जाए जहां ऋषियों मुनियों की धरती हो, गुरुओं पीरों की धरती हो, तो हमने सोचा कि क्यों ना हरिद्वार से शुरू किया जाए। हरिद्वार का हम जो मतलब समझते हैं कि परमात्मा के को पहुंचने के लिए जो रास्ता है, द्वार है, दरवाजा है, तो सबसे पहले हमें उस धरती पर जाके आशीर्वाद लेना चाहिए। तो हम राणा जी के पास गए तो इन्होंने भी हमें बहुत ज़्यादा हौसला दिया कि हम आपके साथ हैं। और श्री महान जी ने तो कमाल ही कर दी, इन्होंने कहा रहना खाना और जो भी यहाँ होगा हम सब करेंगे। हमारे पास वो शब्द नहीं हैं जिनसे हम श्री महंत स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी पंचायती अखाड़ा निर्मला, महंत जसवंत सिंह शास्त्री जी और महंत कमलजीत सिंह जी शास्त्री जी जो मुखिया महंत है, इनका धन्यवाद कर सकें। हमारे पास वो लफ्ज नहीं है। और हम जो आए हुए मेहमान हैं हमारे राणा जी, एडवोकेट साहब और खटकर साहब, सबसे हम अनहद सिंह खटकर जी सबसे खीमा भी चाहते हैं कि जिस तरह की आप लोगों की पोजीशन है हम ऐसा प्रबंध नहीं कर सके, क्योंकि हमारा पहला था, अब हम बच्चे हैं, हमारी फाउंडेशन बच्चों की तरह है। अजय 5 साल हुए हमें इस काम पे लगे हुए, ज्योति फाउंडेशन, आयन बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया को, तो इसलिए हम सबसे हाथ जोड़कर खिमा चाहते हैं कि हमें जो आप लोगों का स्वागत करना चाहिए था
या जो आपके लिए प्रबंध करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए, सो हाथ जोड़कर हम क्षमा चाहते हैं और हम ये आस करते हैं श्री महंत स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी और राणा जी और एडवोकेट साहब अनहद जी और महंत जी के आप हमें सब माफ़ करोगे। और आप लोगों ने जो आज हमारा यहाँ आकर हौसला बढ़ाया है उसके लिए हम धन्य हैं। और मैं हूँ बेनती करांगा जसविंदर सिंह शास्त्री जी नूं कि श्री पंचायती खड़ा निर्मला की तरफ से जो सब लोग यहाँ आए हुए हैं इनका सम्मान किया जाए। अब श्री पंचायती अखाड़ा निर्मला भी इनका जो आए हुए राणा जी हैं, एडवोकेट साहब अनहद सिंह जी हैं, तो वो सब लोगों का ये पंचायती खड़ा निर्मला की तरफ से हम थोड़ा सम्मान करना चाहते हैं। सो मैं आस करता हूँ कि जो ये आए हैं लोग, जो मेहमान हैं हमारे, उसको स्वीकार करेंगे। और बच्चों से भी मैं क्षमा चाहता हूँ कि हम उनको बहुत ज़्यादा अच्छा प्रबंध नहीं दे पाए, अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं दे पाए, हो सकता रहने खाने में की सुविधा में भी हम थोड़ा चूक गए होंगे, इतना प्रबंध नहीं कर पाए जितना हमें करना चाहिए था। बट आप लोगों ने, सब खिलाड़ियों ने हमारा साथ दिया है और जैसा भी था वैसा सब खुशी खुशी स्वीकार किया है। तो हम अपने छोटे भाइयों का, सब खिलाड़ी जनों का भी धन्यवाद करते हैं और आगे से भी आस करते हैं कि सारे लोग हमारा इसी तरह ही साथ देते रहोगे। और ये जो काफला है, कारवा है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जाएगा और वो दिन जल्दी आएगा कि जब हम वर्ल्ड कप जीतकर फरवरी में वापस आएंगे तो हम कोशिश भी करेंगे सबसे पहले हम इस धरती पर ही पहुँचे हैं। तो हम अब उसके लिए आगे के लिए तैयारी करनी है। सो मैं सबसे खिमा चाहता हूँ और फतेह बुलाता हूँ और ख़ास करके बिहार वालों को बधाई देता हूँ कि जहाँ गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जन्म लिया है उस धरती वालों ने ही पहल करके वो जो है चैंपियनशिप जीत ली है। तो बिहार वाली टीम को मैं बधाई देता हूँ और इसे में ही वाणी को विराम देता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। राणा जी को सरोपा भेंट किया जा रहा है श्री महंत जी की तरफ से। बोले सो निहाल। आर के लांबा जी को बेनती करूंगा, बोले सो निहाल। अब मैं बेनती करूंगा अनहद सिंह खटकर को, जो बॉलीवुड कलाकार हैं, कि वो भी आके श्री महन जी से सम्मान लें। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। मैं प्रताप जी से निवेदन करूंगा कि वो रह गए थे हरिहरानंद जी महाराज, उनको आप भेंट स्वरूप वो अपना इन बॉल का प्रतीक स्वरूप भेंट करें। श्री श्याम सुंदरम जी एडवोकेट, मैं चाहूंगा कि वो भी आगे आएं और महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रताप सिंह को भी मैं बेनती करूंगा कि महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि ये जो खेल है आप सब इकट्ठे हुए हैं तो दो भाइयों की वजह से हैं, सैयद वसीम और प्रताप सिंह। क्योंकि जो भारत है ये वक्फ वक्फ फूलों का गुलदस्ता है। बोले सो निहाल। मैं सैयद वसीम को भी बेनती करूंगा कि वो भी आके महाराज से सरोपा प्राप्त करें। फेडरेशन की तरफ से श्री महन जी को हम एक बूटा भेंट करेंगे फेडरेशन की तरफ से।
मध्य प्रदेश की पूरी टीम ऊपर स्टेज पे आ जाए, मध्य प्रदेश की पूरी टीम स्टेज पे आ जाए। मैं बिहार की जीती हुई टीम से निवेदन करूंगा कि हम अपने यहाँ ये कल से शुरू करना चाहते हैं, तो हमको एक बॉल आप जो है वहां पे नमूने के तौर पे दे दें ताकि हम फिर बनवा लेंगे। निर्मल छावनी